अच्छा जी स्क्रीन अब शेयर करूं वो वाली लाइट जला के ना ये ऑफ कर लो। हाँ वो वाली भी ऑफ कर लो, विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी आपको। हाँ अब ठीक, अभी आ गया बस, क्योंकि इसको टाइम लगता है थोड़ा हीट अप होने में। ये भी आ गया। सो ये चेक करें जी, स्क्रीन शेयर हो गई, आप लोगों को नजर आ रही है? जी सर आ रही है। तो हमारा डिडक्टेबल लॉसेस थे जो रिटर्न के अंदर हर एक पार्ट पे थोड़ी थोड़ी हम डिस्कशन कर रहे हैं। ये सारा कुछ पार्ट एंड पार्सल है इनकम टैक्स रिटर्न का। ये नहीं कि हम किताबें पढ़ी जा रहे हैं, पागल थोड़ी हैं पढ़ी जा रहे हैं। ये उसका कनेक्शन है डायरेक्टली रिटर्न के साथ, तभी वो पार्ट हमने इधर कॉपी किया है। ऑब्जेक्टिव के बगैर कोई चीज नहीं है। आगे चलता हूं। ये टैक्स क्रेडिट है जी, ये दो गलती से आए थे, उन्होंने रिटर्न ठीक कर दिया, तो ये 13 में से 2 माइनस कर देंगे, तो ये टैक्स क्रेडिट है आपके चैरिटेबल। एक्चुअली टैक्स जब लायबिलिटी आप निकालेंगे तो फिर टैक्स क्रेडिट आपको, टैक्स में छूट मिलेगी आपको। कौन कौन से हैं? 61 है जी, चैरिटेबल डोनेशन आप पे करेंगे, अप्रूव्ड पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन आप करेंगे, पॉइंट ऑफ सेल मशीन अगर आप खरीदेंगे, सर्टन पर्सन है कोल माइनिंग प्रोजेक्ट स्टार्टअप्स, उनको 65F से में टैक्स रेट दिया गया है। स्पेसिफाइड इंडस्ट्री अंडरटेकिंग को दिया गया है, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडस्ट्री अंडरटेकिंग को भी दिया गया, जो नई इंडस्ट्री लगेगी। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है जैसे अभी बात हुई थी, टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स पेड ऑन शेयर फ्रॉम AOP जो है रेट पर्पज के लिए ऐड होता है, बाद में क्रेडिट मिलता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है 100C का, जो लोग बनाते हैं तो उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाता है कि इनकी इनकम पे टैक्स ना चार्ज हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट स्पेसिफाइड पीरियड से पहले बेच देंगे तो वो जो बेनिफिट मिला होगा रिवर्स हो जाएगा। और चैरिटेबल डोनेशन विद द डोनेशन इज पेड टू एसोसिएट, वो पहला और 13वां इंटरलिंक्ड है आपस। पहले वाला उन लोगों को है जो आपसे एसोसिएटेड नहीं है, जो एंड वाले हैं वो आपसे एसोसिएटेड है। अगर आपको ऊपर 100 रुपया क्रेडिट मिला और अगर आपने एसोसिएट को दिया तो वो आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जो है ना एक रखा हुआ है अंदर। तो इन सब में 2-3 चीजें कॉमन है, इनकी कंडीशंस लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन उस सेक्शन में जो लिखी हैं वो पूरी करेंगे तो आपको मिलेगा, वरना टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये सेक्शन आगे कोटेड है आपके पास, सामने आपकी चीज पड़ी हुई है, सेक्शन आपके सामने है, हेडिंग आपके सामने है, अगर आपने कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। और ये रिटर्न का हिस्सा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने रिटर्न दोबारा तो नहीं खोली, खोलनी पड़ेगी। नहीं मैं दिखाता हूं आपको, पहले आप देख लेना कि उधर किधर पड़ा हुआ है। ये टैक्स आ रही है, पहले आपने एक पढ़ा डिडक्टेबल अलाउंस, अब क्या आ गया टैक्स, ये लिस्ट पूरी है।
61, 63, 64 डी, 65 एफ, ये करते करते ये सारे वही हैं, मैंने इधर से ही लिए हैं सारे, तो उधर जाके उसका चार्ट बना लिए। और ये एक आपको करा देता हूँ, आपको फिर आसानी हो जाएगी। मसलन हम कहते हैं हमें चाहिए 61 देख लेते, चैरिटेबल डोनेशन चेक करते, 61 है। लो भाई ये 61 है, इसके सबसेक्शन 2, 5, 5 सबसेक्शन है इसके, ठीक है, पांचों को कलेक्टिवली पढ़ना पड़ेगा, एक कर लेते हैं बाकी फिर आप उसी हिसाब से सारे पढ़ लेंगे। कहता जी ये पर्सन शैल बी इंटाइटल, पर्सन वर्ड यूज होगा तो सबके लिए, अगर आगे जाके कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगी तो, शैल बी इंटाइटल टू अ टैक्स राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम पेड और एनी प्रॉपर्टी गिवन बाय पर्सन इन द टैक्स ईयर एज ए डोनेशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, अगर वो देगा किसको, एनी बोर्ड एजुकेशन और एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश बाय और अंडर ए फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल और रिलीफ फंड एस्टेब्लिश और रन इन पाकिस्तान बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ए लोकल गवर्नमेंट और एनी एन पी ओ जिसका के टैक्स रेंडर्ड सी में उसको या एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट है, एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड मैंशन इन 13 शेड्यूल, एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें शौकत खान मेमोरियल ट्रस्ट और ईजी फाउंडेशन का नाम भी है, द अमाउंट ऑफ द पर्सन टैक्स क्रेडिट अलाउड। अब आपने देखा कि हर एक बंदे का नहीं है इसके अंदर, ये भी स्पेसिफाइड है, ये एजुकेशनल है, ये हॉस्पिटल और फंड वाले हैं, ये एनपीओ है, ये एंटिटीज है बेसिकली, इसमें बंदों का तो नाम ही कोई नहीं है, बंदे तो है ही नहीं इसमें। इसका मतलब है कि जो लेफ्ट राइट वाले हैं वो वैसे उड़ गया अंदर से, ठीक हो गया। नंबर टू, द अमाउंट ऑफ पर्सन टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड, फार्मूला उन्होंने क्या बताया, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, ए क्या है जो टैक्स आपका बना होगा, ठीक है, बी क्या होगा जो उस टैक्सेबल इनकम होगी, और सी क्या होगा जिस पे मिलना है, ये सब में ना 61 टू 64 में ए बटा बी सब में सेम है, तो फर्क इसमें पड़ेगा सी में, सी क्या होगा किस अमाउंट पे मिलना है आपको, ठीक है। अब सी क्या है जी, लेसर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द पर्सन डोनेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इन द ईयर इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी गिवन, जो आप डोनेशन देंगे और उनको देंगे, अगर उनको नहीं दिया वैसे बाहर हो गए, उनको दिया चाहे पैसा दिया चाहे गुड्स दी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू लेके जमा कर लेंगे, लेसर ऑफ ए और बी के वेयर पर्सन इज एन इंडिविजुअल एओपी 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, कंपनी होगी तो 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सम इज पेड प्रॉपर्टी गिवन, वो एसोसिएट होंगे तो वो ऊपर वाली अमाउंट जो है वो आधी हो जाएगी, यहाँ 30 था ये 15 हो गया, ये 20 था ये 10 हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया। अब सी जो है फार्मूला जो है, द फेयर मार्केट वैल्यू गिवन शैल बी डिटरमाइंड एट द टाइम इट इज गिवन, जब आप वॉशिंग मशीन प्रॉपर्टी कपड़े फ्रिज कुछ भी देंगे तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस वक्त देंगे उस वक्त वो कितने का मिलेगा, वो अमाउंट निकाली जाएगी, क्योंकि सारे लोग पैसे नहीं देते, कुछ लोग चीजें भी दे देते, तो चीजों का क्या करें फिर, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालें आप। चौथा, एक कैश अमाउंट पेड जो आपने देनी है वो क्रॉस चेक के थ्रू जाएगी, ये उन्होंने लिख दिया, पेड थ्रू कैसे होगी क्रॉस, अब आप कैश नहीं दे सकते, अगर आपने कैश दिया वो निकल गया, और बोर्ड इसके मतलब रूल्स बना सकता है, वो तो खैर कोई मसला नहीं है। अब हुआ क्या कि मैंने जो एक्चुअल अमाउंट दी वो लेसर ऑफ इज द लेसर ऑफ ए और बी, ठीक है, ए और बी में से जो कम होगा एक्चुअल अमाउंट या परसेंटेज ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर, यानी मैंने दिया 10 लाख रुपए, मेरी टैक्सेबल इनकम का 30% आ गया 5 लाख रुपए, तो मुझे 5 मिलेगा, मैंने स्पेंड किया 10 लाख रुपए, 30% आ गया 15 लाख रुपए, तो 10 ही मिलेगा जो दिया, विच एवर इज लोअर, सो एक्चुअल अमाउंट या आपकी इनकम का परसेंटेज, और अगर एसोसिएट को दिया तो परसेंटेज आधी हो जाएगी, ठीक हो गया, क्रेडिट आपको जो मिलेगा आधी अमाउंट का मिलेगा, और वो निकलेगा सी,
तो ऊपर टैक्स, नीचे उसकी टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है? अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। डोनेशन निकालने का तरीका, पहले अगर कैश में गया तब भी गया, अगर क्रॉस चेक हुआ लेकिन उनको ना हुआ जिनको उन्होंने कहा तब भी गया, करना उन्हीं को ही है और थ्रू क्रॉस चेक करना। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर भी अकाउंट हाँ, अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है ना, वो भी यानी कि बैंकिंग चैनल के बराबर उसको लिया जाता है, ट्रांसफर होना चाहिए कैश डिपॉजिट में। हाँ जी, ये एसोसिएट वाला बता दें, इसमें एसोसिएट अगर आपके जानने वाला है तो फिर क्रेडिट आधा हो जाएगा ना, ये कहना चाह रहा हूँ। एसोसिएट की डेफिनेशन है ना पूरी, हाँ तो अपनी बनाई ना, वो एसोसिएट होगी, वो तो एसोसिएट होगी ऐसे ही। ये स्पेसिफिक पहले उसका ना जी, ऊपर उसने क्या आपको कहा है, ये चार पार्टीज उसने दी है आपको, ये लो, बोर्ड और एजुकेशन और यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश बाय और अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, किसी इदारे को एजुकेशनल हॉस्पिटल रिलीफ फंड जो कि वही गवर्नमेंट के साथ हो, एनपीओ या वो इदारा जिसको 100C इंटाइटल्ड हो, या वो इदारे जिनका 13 शेड्यूल में नाम दिया हुआ है, तो डोनेशन आप देंगे तो टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। नहीं नहीं, बहुत सारी लिस्ट है, वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है जिन जिन का नाम है, तबलीगी जमात वाले भी उसमें ही है। हाँ जी, ये क्या कैलकुलेट होगा, टैक्स क्रेडिट, यानी टैक्स में ये जो का इनकम थी जो अलाउंस है, जो टैक्स क्रेडिट से पहले जो उसने क्या अलाउंस उसके बगैर, ये डिडक्टेबल अलाउंस की बात कर रहा है। ये कहां पढ़ रहे हैं आप, ये जो इसका ए बी सी है ना, ये जो ए डिवाइडेड बाय बी है, हां ए के पोर्शन में क्या है कि जो आपने टैक्स क्रेडिट लेना है वो अलाउंस के बगैर बिफोर अलाउंस है। हाँ जी, जहरी बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो कह रहा है बिफोर अलाउंस अंडर दिस पार्ट, पूरा पढ़ो ना यार, इस ये जो टैक्स क्रेडिट आप लेने लगे हैं इससे पहले वाली अमाउंट लेनी है आपने। हेलो, ये डोनेशन, ये 61 to 64 और ऑनवर्ड जितने हैं इनको माइनस करने से पहले वाली अमाउंट पे मिलेगा, उसी पे तो टैक्स निकाला था आपने, ये ना हो कि पहले इसको माइनस करो फिर वो कैलकुलेट करना शुरू कर दो, ऐसे नहीं है, इसको माइनस करने से पहले वाली अमाउंट है और सब में ऐसे ही है। इसकी जो हायरार्की है वो इस तरह से कि एमपीआर के बाद पहले आप डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे, उसके बाद फिर आप टैक्स क्रेडिट लेंगे, इस तरह से। असल में हायरार्की जो है ना वो सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है। अच्छा, सेक्शन 4 है या 8 है, दोनों में से कोई एक है, उसमें हायरार्की दी हुई है कि सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट आएगा, उसके बाद 61 टू 64 वाले हैं और एंड पे जो आपने पेमेंट की होगी वो आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, ठहरो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा ख्याल 4 होना चाहिए या 8, मुझे जुबानी इशू का, और भी चीजें देर में घूम रही है ना। टैक्सेबल इनकम ये देखो 4 ही है, 4 का 3 ये पढ़ना जरा, वेयर Where a taxpayer is allowed more than one tax credit for a tax year, the credit shall be applied in the following order. पहले सबसे क्या आएगा? Any foreign tax credit allowed, और उसके बाद ये any tax credit allowed. वो जो अभी आपने पढ़े और एंड पे जो आपने पे किए होंगे वो आएंगे, ठीक हो गया? ठीक है। ये सीक्वेंस है हायरार्की जो आप समझना चाह रहे थे। एक और मैं ऐड कर देता हूँ, 61 टू 64 जो अभी आप देख रहे हैं उनमें से जो मर्जी पहले ले आओ जो बाद में ले जाओ, क्योंकि फार्मूला सबका एक ही है, ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल क्रेडिट आपका उतना ही रहेगा। हाँ जी, टैक्स क्रेडिट में कोई क्वेश्चन है ये मैं आगे चलूं। टैक्स क्रेडिट में चलूं आगे, ले जी आगे देखते हैं क्या हमारे पास, बैलेंस शीट आ गई है जनाब, क्या बात है, अब अकाउंटेंट तो बड़ा खुश होंगे, ये तो हमारे मतलब की चीज आ गई, बैलेंस शीट।
ये तो कॉमन नेम है, आपने बनाया बार बार दफा बनाया, यहां भी बैलेंस शीट आपने बना के देनी है और वो रिटर्न का हिस्सा है और उसी तरह ही बनानी है जैसे आपने बनानी है। आपने जीरो जीरो करके या निल अमाउंट एफटी और एनटीआर जो कोई भी है आपने फिगर्स वेरीफाइबल रिपोर्ट करनी है। अगर आपकी फिगर्स वेरीफाइबल ना हुई तो 111 सेक्शन में इनकम बना के उस पर टैक्स लग जाएगा। तो आप फ्लाइंग एंट्रीज, फेक एंट्रीज, अपने पास से एंट्रीज इसमें नहीं डाल सकते अगर वो वेरीफाइबल ना हुई तो, चाहे वो डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। आपने कहा स्टॉक है ही कोई नहीं, आपने कहा पेबल है, पेबल है ही कोई नहीं, तो फिर उस सूरत में डिफरेंस जो होगा वो आपकी डीम्ड इनकम बना के आपको टैक्स लगाया जाएगा। सो नेवर प्रिपेयर एनी बैलेंस शीट और अकाउंट्स विच आर बेस्ड ऑन अज्यूम्ड फिगर्स। इस तरह की कोई चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती, वो आपके अगेंस्ट ही सारा इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी आप इसको एक नज़र देख लें इसमें अगर कोई, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप ये ना कि पता नहीं अपने पास ही बना के ले आए। जाने मन पूरी चीजें अवेलेबल है इसके अंदर, तुम फिक्र ही मत करो। ये बिजनेस के अंदर जब जाओगे ना, ये देखो लो भाई आपकी बैलेंस शीट पूरी बनवाई हुई है, रिटर्न के अंदर है। देखो लैंड बिल्डिंग ऑल टाइप्स प्लांट एंड सीनरी एडवांसेस स्टॉक्स कैश अदर एसेट्स टोटल हो गया, टोटल ऊपर आ जाएगा इसका, ये टोटल एसेट यहाँ पे। आप एक दो फिगर डाल के देख लो, ये लो लैंड डाले जी कोई 10 मिलियन की, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी को 20 लाख की डाल देते हैं बस, तभी टैली करना है ना हमने, सिर्फ हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं भाई क्या है ये 15 लाख। आप ज्यादा डालना चाहते हैं ज्यादा डाल लेना यार, ये आपका आ गया 32 मिलियन है। अब इधर फर्ज करें कैपिटल है आपका 25 मिलियन का डाल देते हैं और बाकी अदर पेबल में डाल देते हैं, कितना फर्क है, 6-7 मिलियन भाई। देखिए 32 ही आ गया और 32 ही आ गया, जो फिगर आप बनाएंगे आपने जस्ट डाल ली है तो वो टोटल कर देगा उसका, जो स्पेसिफाइड है उनके पास सारे एसेट्स अदर एसेट्स में डाल देना, जो लिखे हुए स्पेसिफाइड है पूरे फिल करो, नीचे भी अदर लाइबिलिटी था, इनके अलावा जो होगा वो नीचे आ जाएगा। हाँ जी ठीक है जी, मसला तो कोई नहीं, लो जी ये आपकी बैलेंस शीट होगी, वो उसी तरह ही है, मुझे कोई नई चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बनानी सब नहीं है, जहां बिजनेस इनकम होगी वहां बैलेंस शीट आएगी, चाहे प्रॉफिट है लॉस है कुछ भी है, अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। बट वेयर इज देयर इज द बिजनेस इनकम इंडिविजुअल कंपनी ओपी बैलेंस शीट लाजमी होगी। कोई सवाल है या आगे चलूं? हाँ जी ऑनलाइन में कोई सवाल है या आगे चलूं जी? हेलो आगे चले चले। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आपने हर रिटर्न में, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी को भी करने से पहले आपको उस पार्टी का उस टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। अगर पाकिस्तान में कोई बंदा 183 दिन है तो रेजिडेंट है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने चेंज किया कि अगर एक बंदा किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, आपका भी नहीं है और किसी का भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक पाकिस्तान का रेजिडेंट बन जाएगा। ये भी एक पॉइंट उन्होंने डाल दिया अंदर, पहले नहीं था ये। लोग 183 दिन से ज्यादा बाहर रहना शुरू कर रहे थे, उधर सैर करने चले गए, उधर चले गए, उधर चले, पता लगा वो कहीं का भी रेजिडेंट नहीं है। उन्होंने कहा अगर आप किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होंगे, चाहे पाकिस्तान में आप एक दिन भी थे, तो फिर आप पाकिस्तान के लिए क्या बन जाएंगे? रेजिडेंट बन जाएंगे। और जब रेजिडेंट बनेंगे तो वर्ल्ड इनकम पे टैक्स लगेगा, पाकिस्तान सोर्स इनकम प्लस फॉरन सोर्स इनकम। और नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है? सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स पे करना है। वे भी मैं आपको दिखा दूं, अभी दिखाया नहीं, ताकि आप ये ना कि अपने पास से शायद बना लिया। 11 का 5 और 6 आपको मैंने पढ़ाना है। ये 11 का नाम है हेड्स ऑफ इनकम, 5 है वही लिखे हुए नजर आ रहे हैं भाई,
वही है लिखे हुए। ये जरा फाइव पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा? हेलो, फॉरेन सोर्स है ये, किसके लिए है? रेजिडेंट के लिए। तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या है? ओनली अमंग्स दैट आर पाकिस्तान सोर्स है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों को वो डिफरेंशिएट कर गया। सुनो सुनो सुनो, आंखें कान और दिमाग खोल के सुनो, वो जो कह रहा है उसको समझो कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, क्या फायदा और नुकसान है। लॉजिकल चीज बनी हुई है, कोई क्वेश्चन है तो कर ले वरना मैं आगे जा रहा हूं। रेजिडेंशियल का बता रहे हो, सबको कौन सा? ये 11 यार, ये लो। ओके ओके, ये 11 का 5 एंड 6। आगे चले। हेलो चलो भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी और एओपी का अलग अलग है। कंपनी अगर आप रजिस्ट्रेशन हुई हुई है इधर तो रेजिडेंट है, और एओपी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पाकिस्तान में है तो वो उसको भी रेजिडेंट लिया जाता है। उन दोनों तीनों के तरीके अलग अलग है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी एंड रेजिडेंट कंपनी। 80 से 84 ठहरो, वो भी ले लेते हैं ताकि आप एक ही दफा बहुत ज्यादा आगे चला गए। हाँ, 82, 83, 84। हाँ ये देखो, सबसे पहले रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। रेजिडेंट पर्सन इज रेजिडेंट इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट। नॉन रेजिडेंट होगा अगर बंदा नॉट ए रेजिडेंट। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या है? 183 दिन वाला इंप्लाई ऑफ फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल वेयर एवर पोस्टेड। और तीसरा ये वो मैंने डाला, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है लेकिन वो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। अब रेजिडेंट कंपनी क्या है? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड या फॉर्म्ड हुई है पाकिस्तान में, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एनी टाइम अगर पाकिस्तान में रहा, या प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट है तो रेजिडेंट कंपनी है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी वो ऊपर रेजिडेंट में ले चुका हुआ है यहां पर। फिर बच्चा बाकी कौन? एओपी। तो एओपी का पार्शियल कंट्रोल किसी वक्त भी अगर पाकिस्तान में होगा तो उसको रेजिडेंट एओपी कहा जाएगा। तो टैक्स पेयर का रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना बहुत जरूरी है, उसके बगैर आप आगे जा नहीं सकते। फिर इनकम कौन सी होगी? अच्छा, फिर आपने रिटर्न में किधर लिखना है रेजिडेंट किधर है, वो आपको एट्रीब्यूट्स के अंदर मिलेगा। किसके अंदर? वो भी दिखाता हूं। अटैचमेंट के बाद ना ये एट्रीब्यूट आ, ये देखो ये दिया हुआ रेजिडेंशियल स्टेटस। क्लिक करोगे नॉन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, आपको क्लिक करना पड़ेगा, टिक करना, बताना पड़ेगा कि आप रिटर्न किसकी फाइल कर रहे हैं, वेदर ही शी इट इज द रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसके बगैर आपकी इनकम वो फिर सही कैलकुलेट नहीं होगी, पता नहीं लगेगा। अच्छा फिर आगे चले, आगे चले जी। ये आपने कर लिया था पहले टाइप्स ऑफ रिटर्न, ये मैंने आपको करा दिया था कि जो मैन्युफैक्चरर है जो एसएमई में फॉल करेंगे उनको एक स्पेशल रिलीफ कोरोना वायरस की वजह से दिया गया था 3 साल के लिए, कि अपनी टर्नओवर का इतना वो जमा कराएं। मैंने 2-3 रिटर्न फाइल किए हैं, उसे कर रहा हूं मैं 3 साल से। और जिनको नहीं पता तो वो नॉर्मल में 4.5% या प्रॉफिट पे टैक्स ज्यादा जमा करा दें, ये सिर्फ अपडेशन की वजह से उस बंदे का अच्छा खासा टैक्स बच गया। कानून ने कहा, मैंने नहीं कहा भाई, मैं कौन हूं, मेरी किसी ने सुननी है? सुननी तो कानून की जाएगी। कानून क्या, क्या कानून अलाउ करता है? क्या लॉ अलाउ करता है? अगर वो देता है तो ले लो भाई। कोई सवाल है या आगे चलो? ऑनलाइन में कोई सवाल है जी? हेलो, नहीं सर आगे चले, आगे चले।
यहाँ एक और आया कि अगर आपका एफटीआर का केस है तो उसमें हम ना एक इम्प्यूटेबल इनकम निकालते हैं, यानी टैक्स से वर्क बैक करते हैं कितनी इनकम होगी जिस पे ये टैक्स बढ़ेगा, उसे इम्प्यूटेबल इनकम कहते हैं। अगर आपका फर्ज करें एक्सपोर्ट है, आपने पे किया 1 लाख रुपया टैक्स, तो 1 लाख रुपए से इनकम कैलकुलेट जाएगी कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा। अगर आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट आपके इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा हुआ तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा के तो फिर आपकी रिटर्न फाइल होगी। 111(4) है उन्होंने डाल दिया इधर। सो अगर आपका केस, लेकिन पहला सवाल ये, क्या आपका केस फाइनल टैक्स रिजीम में आता है? क्या आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा है? अगर बराबर या कम है फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इस साल इन्होंने प्रोविजन पहले डाली हुई थी, पिछले बजट में ये आई थी, तो ये भी नोट करने वाला है कि अगर आप फाइनल टैक्स रिजीम के केस में हैं तो आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट जो कैपिटल में ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट में जाता है, वो आपकी इम्प्यूटेबल इनकम से ज्यादा तो नहीं है। अगर वो ज्यादा हुआ तो कंपनी तो ऑडिट कराएगी, इंडिविजुअल और एओपी भी ऑडिट करा के अकाउंट्स रिटर्न के साथ फाइल करेगा। वो क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, वरना मैं आगे चलूं। फर्ज करो ना कंपनी है, उसने पे किया 1 लाख रुपए, स्मॉल कंपनी है, तो 1 लाख रुपए को वर्ष बैक कर लो, 100 तकसीम 20 कर लो, किस इनकम का 20% 1 लाख होगा? 50 लाख। 1 लाख रुपया टैक्स पे किया, किस इनकम का 20% 1 लाख होगा? क्यों भाई, किसका किसका 20% लू तो वो 1 लाख बनेगा? 5 लाख। 5 लाख का 20% 1 लाख बनता है ना, 5 लाख। तो इम्प्यूटेबल इनकम आ गई 5 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाया होगा। अगर वो मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट जो बिफोर टैक्स है वो अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ तो मुझे चार्टर्ड अकाउंट से ऑडिट कराना पड़ेगा, और अगर उसके बराबर या कम हुआ फिर कोई परेशानी नहीं है, फिर आप अनऑडिटेड अकाउंट्स फाइल कर सकते हैं। ये लास्ट बजट में उन्होंने अमेंडमेंट की थी। कोई सवाल है तो कर सकते हैं, वरना मैं आगे चलूं। आगे चलूं, ये मैंने लिखा लेस देन और इक्वल होगा तो अनऑडिटेड, और अगर ज्यादा होगा तो ऑडिटेड अकाउंट्स के साथ। चार्ट मैंने अपने लिए बना लिया था, लोगों को आसानी हो जाए। Where actual income is less than or equal to the imputable income without audited accounts के, company के अलावा, क्योंकि company तो already audited ही देती है, और actual income is more than the imputable income, तो फिर आपको audited accounts individual और AOP के लाजमी हो जाएंगे, क्योंकि individual और AOP को audit कराना लाजमी नहीं होता, वो कराना चाहे करा ले, नहीं कराना चाहते कानून नहीं है उसका, company के लिए law है। अब इसको मैं इधर रोक के ना, मैं आपको लेके आना चाह रहा हूं दूसरी फाइल में, ये मैं बाद में कराऊंगा आपको, ये नहीं कि मैं छोड़ रहा हूं। ये कैसे फाइल करने वाले का भी जवाब है, रिक्वायरमेंट 114(2) में, ठीक है, एनेक्सर ऑनलाइन, ये सारा आप एक नजर पढ़ सकते हैं कैसे फाइल करना रिटर्न, प्रिस्क्राइब फॉर्म में, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ड्यूली साइंड है, टैक्स पेड होना चाहिए और विद वेल्थ स्टेटमेंट होना चाहिए। 114(2) में लिखा हुआ है कि जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। ये लॉ है भाई, जनरल नॉलेज नहीं है। ये आपने इससे कनेक्टेड सवाल करना है, क्योंकि मैं आपको आपको पॉइंट देता जा रहा हूं ताकि आपको अवेयरनेस आपकी आती जाए, आपको पता लगता जाए। अगर कोई सवाल है तो कर लो, वरना मैं आगे चलूं। हाँ जी मिस, नहीं तुम भाई, हाँ जी, ऑनलाइन में कोई सवाल है, आगे चलूं? आगे चले चले। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, रिटर्न प्रिस्क्राइब फॉर्म पे होगी, अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिटर्न दी थी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देंगे और आपने ऑडिटेड अकाउंट्स देने हैं जो के अकाउंटिंग और टैक्स के प्रॉफिट को रिकंसाइल करेंगे।
तो जितना आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे वो सारा सारा का सारा रिटर्न में फील होगा, फिर उसको टैक्स की प्रॉफिट में या लॉस में कन्वर्ट किया जाएगा, वो भी आपने बना के देना। मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ और टैक्स में मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस आ गया 50 लाख का। कैसे भाई, 1 करोड़ से सीधे 50 लाख में पहुंच गए। कौन सी चीजें आपने ऐड की, कौन सी लेस की कि आप टैक्सेबल इनकम आपकी कम होगी, ज्यादा भी हो सकती है। मैंने दिया 50 लाख का प्रॉफिट, टैक्स में चला गया 3 करोड़ का प्रॉफिट, क्यों भाई? कौन सी चीजें ऐड की और कौन सी लेस की है आपने? तो वो रिकंसिलेशन आपने रिटर्न के अंदर बना के देनी होती है। प्रोसीजर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। ये बेसिस आपको करा दिए थे, इनकम ये सारा मैंने करा दिया था आपको, ये भी करा दिया था, ये रिटर्न्स का हो गया था। फिर इसका डाटा क्या क्या है एक नजर वो भी देख लो। ये बेसिकली 13 हेडिंग्स हैं जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ। रेजिडेंशियल स्टेटस है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बैलेंस शीट है, फॉरेन सोर्स इनकम है, एग्री इनकम है, डिडक्टेबल लॉन्सिस है, ये उसके अंदर कंपटीशन ऑफ टैक्स के अंदर जो क्रेडिट और वो वाला टैक्स चार्जेबल, कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स रिडक्शन, टैक्स क्रेडिट, एडजस्टेबल, FTR, और अल्टीमेटली सारा कुछ जो चला जाता है वो कंपटीशन के अंदर तमाम हेड्स, क्रेडिट, डिडक्टेबल, सब कुछ उसके अंदर जाके वो नेक्स्ट सारे टोटल होके उसके अंदर चले जाते हैं, ताकि अल्टीमेटली पता लगे इस बंदे ने टैक्स देना है या वापस लेना या क्या सिलसिला है इसका। फिर एक और चीज इसको अगर एक नजर देख लो, अगर कोई चीज इसमें काफी चीजें तो आपने कर ली है, बैलेंस शीट आपने की, फॉरन सोर्स, एग्री इनकम, डिडक्टेबल आपने किया, क्रेडिट्स आपने की, रिडक्शन ये भी की, वो भी दिखाता हूँ, एडजस्टेबल और फाइनल 11 और 12 नंबर पे जितने टैक्सेस आपके कटे हुए हैं वो आप वहां जाके डाल दें, आपको क्रेडिट उसका मिल जाएगा। बाकी आपका बचा टैक्स रिडक्शन से जो बचा जो अभी तक मैंने नहीं कराया आपको, वो भी आगे आ रहा है। इसमें हाँ जी, जो हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे उनके पोर्टल में, उसमें अगर साल तो मेरे 4 अकाउंट है, वो 4 अकाउंट नंबर मैं स्पेसिफाई करूंगा कि सिर्फ नहीं जमा कर दें टोटल करके, आप अगर बैंक बैलेंस अलग नहीं है तो अदर्स में जाके जमा कर दें बस, जो तो स्पेसिफाइड है वो तो आपने वही लिखने हैं जो लिखे हुए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी जो लिखे हुए हैं वो लिख लें, उसके अलावा जितने एसेट्स हैं सबको जमा करके वो अदर्स में डाल दें, जो किसमें आएगा वो 5वें में आएगा, जो स्पेसिफाइड में ना गया तो किसमें गया, नॉन स्पेसिफाइड में, कवर हो गए। आप सारे मिलकर कोई भी इनकम सोचो, आप इन 5 हेड से बाहर नहीं निकल सकते, सोचो मिलकर कुछ भी सोचो, क्योंकि जो 4 में ना गया वो 5वें में ऑटोमेटिक आ गया, तो बचा क्या पीछे फिर, बचा तो कुछ भी नहीं, छोड़ा तो कुछ भी नहीं उन्होंने। हाँ जी, चलो दूसरा ये कि जो हम यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट में इंस्टॉलमेंट बेस, साल के तौर पर मैंने 40% पेमेंट कर दी है किसी फाइल की, तो वो हम बैलेंस शीट में किस तरह से एडवांस अगेंस्ट पर 6-62% आ जाएगा और क्या, ठीक है, वो फर्दर जिस तरह की फिर पेमेंट होती है उसे अपडेट। हाँ जी ऐसा ही है। अब नेक्स्ट कौन कौन से हैं, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, पार्टनर, मेंबर, प्रोप्राइटर, जिसकी रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स और वेरिफिकेशन। ये आपको मैंने वो 182 डेज बताया था, अगर पाकिस्तान में से ज्यादा है, कम है या बराबर है तो इधर है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है प्लस उन्होंने रेजिडेंट की इक्वेशन बनाई थी हमने, PSI प्लस FSI फॉरेन सोर्स इनकम, और नॉन रेजिडेंट की क्या थी, पाकिस्तान सोर्स इनकम। ये आपकी आसानी के लिए बनाया गया है, इसमें चौथा नहीं डाला क्योंकि ये 22 में बनाया था, तो वो बाद में आया कि किसी भी कंट्री के रेजिडेंट नहीं होंगे तो पाकिस्तान के रेजिडेंट बन जाएंगे। ये जी इनकम फ्रॉम सैलरी है, जिसमें खास खास चीजें आपको पता होना जरूरी है, रिकॉर्ड, सेक्शंस, ओवरऑल डिस्कशन और कॉन्सेप्ट और FTR NTR सारा आपको पता होना जरूरी है। अब सेक्शन 2 आपने पढ़ा, 12, 13, 14 जो मैंने आपको दिया था मुख्तलिफ, वो सारे उसने कवर किए हुए हैं। ये जो चार्ट आपको दिखाया गया ना, ये मैं दिखाता हूं, ये जो सैलरी वाला चार्ट है ना,
ये आपके चारों तीनों सेक्शंस को और बाकी चीजों को भी कवर करता है। आप देखो ये 12 के अंदर पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एरियर कवर्ड है, अलाउंसेस आपके कवर्ड है, एक्सपेंडिचर रीइंबर्स, ये परक्विजिट आपका यहाँ कवर्ड हो गया है, और इन लीव और इन एडिशन आपका यहाँ आ गया है। तो जो कुछ आपने वहां पढ़ा है वो सारा कुछ रिटर्न में कवर कर गया, वो ले गया आपसे सारा कुछ, 12 13 14 जो जो इनकम आई है सब ले गया, वो छोड़ा कुछ नहीं उन्होंने। तो ये रिटर्न बाद में बनती है, पहले लॉ बनता है, तो ये रिटर्न लॉ के मुताबिक बनाई जाती है ताकि वो तमाम चीजों को कवर करे। अब आप सैलरी में कोई चीज बताओगे वो इससे बाहर नहीं निकलता, बोनस है, फी है, कमीशन है, इंसेंटिव है, बेसिक पे है, अलाउंसेस है, परक्विजिट्स है, पेंशन है, ग्रेजुटी है, आपको जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट है, प्रोविडेंट फंड है, जो कुछ भी है वो पहले इनकम में आएगा, आगे जाके एग्जेम्प्ट है कितना नहीं है वो सब आपका क्लियर करके तो आपसे वो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स आपसे ले लेगा, छोड़ने वाले नहीं है वो भाई, जो है सो है। ताकि आपको पता हो कि ये अपने पास से ऐसी बस बना के, पता नहीं एप्लीकेशन भी हुई कि नहीं, ऐसे नहीं है। रिकॉर्ड में सब में ना एक दो चीजें कॉमन है, देखें इनकम कहाँ से आई उसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने खर्चा क्लेम किया रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने टैक्स पे किया रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, आपने यूटिलिटी बिल पे किया रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, गाड़ी खरीदी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी खरीदी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बगैर बात नहीं हो रही। एजुकेशन के खर्चे किए एजुकेशन की रिसीट दे दें, जो कुछ आपने खरीदा इन्वेस्ट किया, खरीदा बेचा, आपने बेचा तो एग्रीमेंट टू सेल, बयाना किया बयाने की कॉपी दे दो भाई, हर चीज डॉक्यूमेंट के साथ एसोसिएटेड है, जबानी चीज नहीं हो रही है। कुछ लोगों को सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स है वो ये इसमें दिया हुआ है। प्रॉपर्टी जी सेक्शन है 2, 15, 15, 16 और 66 एनटीआर के अंदर कवर्ड है, आप खर्चे माइनस करके उसको डिस्क्लोज करेंगे, मैं आपको अभी दिखा देता हूं इसकी एप्लीकेशन। इसमें था ये लो भाई, ये प्रॉपर्टी इनकम ऊपर आ गई और ये इनकम और आ गई ये डिडक्शंस, ये आप माइनस करेंगे और नेट वो ऊपर ले जाएगा। आप एक दो फिगर डाल के देख लो, मसलन आप कहते हैं जी रेंट आया मुझे 60 लाख रुपए, ठीक है, 1/5 ऑटोमेटिक उसने आपको दे देना, कैलकुलेट करोगे ये देखना जरा क्या करता है, 60 लाख आया, ये 12 लाख उसने ऑटोमेटिक आपको दे दिया 1/5। बाकी अगर इसमें कोई एक्चुअल है, आप कहते हैं जी मेरी मैंने पे किया 2 लाख रुपए कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस आप कर लो 20 लाख, 2 लाख रुपए के, तो ये आप 14 लाख हो गया, 14 14 माइनस करोगे 60 में से तो कितना बचा, ये पड़ा हुआ 46, उसने कैलकुलेट कर दिया, और इसी को उठा के वो कंपटीशन में ले जाएगा। एक मिनट कितना भाई, तो इसका आखिरी है ना ये है। ये देखो 46 लाख चला गया उसका, वो मैं इसलिए नहीं उसको मैं काटना चाह रहा हूं ना, क्योंकि ये ऐसी अज्यूम्ड फिगर है अपने पास से डाली गई है, ठीक है। अब जब मैं प्रॉपर्टी में आऊंगा तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए फिगर डाली है। उसने ऑटोमेटिक 12 भी खत्म कर दिया आपका, जब रेंट गया तो 1/5 भी गया, सारा कुछ गया। तो जो आप बना रहे हैं वही आप फील कर रहे हैं, जो लोग कहता है वही वो कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो कर नहीं सकता। ये भी मैं आपको बता रहा, अगर रिटर्न में कोई चीज आपकी कैलकुलेशन से लॉ से इनकॉन्सोनेंस नहीं है तो प्रिवेल वही करेगा जो आपकी लॉ कहेगा, रिटर्न नहीं वो नहीं फॉलो होगी। तो इसलिए अवेयरनेस ऑफ लॉ होना, उस पर ग्रिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोर्ट में केस कहीं भी जाएगा, किसी भी जज के सामने आप जाएंगे, वो कहेगा भाई आपने, आपको क्यों लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई, उन्होंने टैक्स आपको ज्यादा चार्ज किया, व्हाई दिस इज सो।
साबित कर दे तो मैं मान लेता हूँ, नहीं तो फिर आप ऐसे ही वक्त जाया कर रहे हैं अपने, जो बनता है वो दे और घर जाए। सबसे ज्यादा जो है वो बिजनेस इनकम के सेक्शन है और मटेरियल भी सबसे ज्यादा, बैलेंस शीट भी इसकी है, मिनिमम टैक्स भी इसी का ही है, इसके अंदर ही एफटीआर एनटीआर मिनिमम काफी कुछ है, इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन और डिटेल ज्यादा इसके अंदर ही है, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स वाला प्रॉफिट, WWF, WBPF, वो सारे इसकी वजह से आ रहे हैं। तो इसी के लिए लोगों ने बंदे हायर किए होते हैं, तभी लोग जॉब कर रहे होते हैं, इसी को मेंटेन करने के लिए। सेक्शन भी कोटेड है, चीजें भी लिखी हुई है। कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट बेचेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, मुख्तलिफ तरीके हैं उसको कैलकुलेट करने के और उसकी टैक्स करने के तरीके अलग अलग है। आगे क्या है, अदर सोर्सेज, जो पहले चार हेड्स में नहीं आएगा वो ऑटोमेटिक चौथे हेड में फॉल करेगा, ये भी लिखा हुआ है। पांचों में एक चीज कॉमन है कि अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम, अगर कोई सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस गेन या अदर इनकम एग्जेम्प्ट है तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेगा, लेकिन पहले वो इनकम में आएगा फिर आगे एग्जेम्प्ट होगा, ये जरा नोट करने वाली बात है। ये आपके फाइव हेड्स भी पूरे हो गए। एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिया था, उसमें बिजनेस के अगर आप एक से ज्यादा सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उन्होंने सेक्टर मांगे हुए हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस मांगा हुआ है, रिड्यूस रेट वाले हैं तो वो उन्होंने मांगे हुए हैं, वो सारा उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। बैलेंस शीट वाला आपको कर दिया था, फॉरन सोर्स इनकम हो गया था, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, डिडक्टेबल अलाउंस हो गया था, टैक्स चार्जेबल ये आपसे रिलेटेड नहीं था, कंपटीशन है मिनिमम वो सारे मैंने आपको करा दिए, ये रिडक्शन वाला जो है ना ये आपका रह गया। तो अब आपको नजर आ रहा है कि जो फुल टाइम टीचर और रिसर्चर है 25% है सैलरी इनकम के लिए, बेबूज सर्टिफिकेट पे रेट 10% लिखा हुआ है, अब 5 हो गया हुआ है। और अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे आपको गेन होगा, आप सर्विंग पर्सन है, आर्म फोर्सेज या एक्स एम्प्लॉइज है तो उनको एक केस में 50%, और अगर पीरियड आपका ज्यादा होगा, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है आफ्टर 3 ईयर होगा तो 75% जो होगा वो रिडक्शन मिल जाएगी, जो गेन आएगा उसमें माइनस कर दिया जाएगा। सो एक ये एरिया बाकी था, बाकी आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है मैं आपको वो, आपने यहां तक कोई सवाल करना तो कर लें, वरना फिर मैं आपको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर सीधा लेके जाने लगा। ये रिटर्न से कनेक्टेड पॉइंट थे, और वो वेल्थ स्टेटमेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस और रिकंसिलिएशन, तीन चीजें जो वेल्थ स्टेटमेंट से कनेक्टेड है। इनकम टैक्स से सारे चार्ट थोड़ा थोड़ा आपने सारा डिस्कस किया। कोई सवाल है या मैं आगे चलूं? एनी क्वेश्चन? चले अब वेल्थ स्टेटमेंट पे आए जी। अभी तक मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल नहीं दिखाया, अगर आप कहते हैं तो पहले इनकम टैक्स का एक न्यूमेरिकल आपको दिखा देता हूं ताकि एक साइड आपकी मुकम्मल हो जाएगी। देखना है जी न्यूमेरिकल, वो अलग है ना, वो तो अभी अभी ठहरो, अभी एक और चीज ले लो ना, मैंने आपके लिए एक और चीज भी बनाई हुई है। क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको पता लगेगा, ये अज्यूम डेटा जी अपने पास है, ये एक बंदा है मिस्टर ए, खुद ही अज्यूम किया, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 2023 की इनकम है, ये सैलरीड पर्सन के लिए डाला गया। अगर बंदे की बेसिक पे 18,05,958 रुपए, मेडिकल अलाउंस आपको पता है वो 10% तक एग्जेम्प्ट है, एक्सपेंडिचर की रीइंबर्समेंट है, ऑफिशियल पर्पज वाला भी एग्जेम्प्ट है, अगर जाति के लिए होता तो आपकी इनकम में चला जाता, वैल्यू ऑफ परक्विजिट है आपको वो डाला गया, वो टैक्सेबल है, तो बेनिफिट आपको दिया जाएगा, टेलीफोन मोबाइल या यूटिलिटी का अलाउंस, प्रॉफिट इन एडिशन इन लियू है सेक्शन 13 में, तो ये आपकी ग्रॉस इनकम 28 लाख है, इतना एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल में चला गया। और ये एज इट इज रिटर्न के अंदर फीड हो जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम आपको चार्ट दिखा दिया, सेक्शन 41 में एग्जेम्प्ट है, टैक्स आपको बनता होगा तो देना होगा। फॉरेन इनकम आपकी आई है 1 लाख रुपया, आपकी इनकम में ऐड हो गई है, फॉरेन रेमिटेंस है ये इनकम नहीं है, ये आपको पता है इनकम में ऐड नहीं होना, एग्जेम्प्ट है। होम रेमिटेंस है, फादर ने भेजे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है। अब कैपिटल गेन, अज्यूम किया गया कि कुछ गेन हमें अर्न हुआ तो जो नेट आया 2,30,000 आया, ये 25 लाख, 1 लाख और 2,30,000 जो एग्जाम थे निकल गए, करते करते हम लोग पहुंच गए अदर सोर्सेज में, यहां बेबू सर्टिफिकेट आए वो ऐड हुआ, ब्लॉक सेपरेट है इसका,
प्रॉफिट ऑन डेट पे 15% है, पेंशन एग्जेम्प्ट है। ये पेंशन अदर देन इम्प्लॉई अगर आप रिसीव करेंगे तो अदर इनकम है, अगर आप खुद रिटायरमेंट के बाद रिसीव करेंगे तो फिर आपकी सैलरी इनकम का होगा। पेंशन दो तरह की है, एज ए इम्प्लॉई रिसीव करोगे तो पार्ट ऑफ सैलरी है, और अदर देन इम्प्लॉई रिसीव करोगे तो ये यानी उनकी वाइफ को या बच्चों को अगर मिलेगी तो उनके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनेगी। है एग्जेम्प्ट, वो अपनी जगह पे है, यहाँ आगे एग्जेम्प्ट हो गया। ये सारी इनकम को ऐड किया जी, सैलरी, एग्री इनकम, क्योंकि टोटल इनकम मैंने निकाल ली, इनकम ये यहां तक इनकम है, ये सारी इनकम थी, ये जमा हुआ तो क्या आ गया टोटल इनकम। इसमें से ये देखे मैंने ज़कात, प्रॉफिट ऑन डेट, ठीक है, ये माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, एक मिनट, ये फॉरेन सोर्स इनकम थी, सॉरी एग्री इनकम हमने ऊपर ही एग्जेम्प्ट कर दी थी, ठीक है। ये अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं इसके अंदर तो टेक्निकली स्पीकिंग 365 को इसके अंदर ऐड होना चाहिए था, ऐड करके फिर आप माइनस कर देते आंसर फिर वही आएगा, लेकिन टोटल इनकम जो है इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट इनकम होनी चाहिए, वो आपको भी पता है। लेकिन खैर उसके बाद ये माइनस किया तो आपके पास ये ज़कात और प्रॉफिट ऑन डेट जो था वो मैंने जो पढ़ाया था आपको उधर डिडक्टेबल अलाउंस में, ठीक है। एजुकेशन का इसलिए नहीं मिला कि इनकम इसकी 25-15 लाख से, सैलरी अबव 25 लाख है तो वो क्रेडिट नहीं मिला उसको। ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी फिर हमने बनाई स्लैब रेट पे जाके इस इनकम पे, उसमें बेबू सर्टिफिकेट की लाइबिलिटी 5% हमने वो अलग से रख ली है। फिर आपका लोअर फॉरेन टैक्स रेट जो आपको फॉरेन सोर्स इनकम आई थी उस पर 1000 रुपये का क्रेडिट मिला आपको, फॉरेन सोर्स इनकम का क्रेडिट सबसे पहले आना वही हमने दिया उसको। बाकी वो जो चैरिटेबल लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ अप्रूव्ड जो जो अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ वाला अब लाइफ इंश्योरेंस वाला और हेल्थ वाला अब अवेलेबल नहीं है, ये दोनों नहीं मिलेंगे इसको, 22 में थे ये, बहरहाल आपको समझाने के लिए है। और उसके बाद जो आपका प्लॉट के ऊपर गेन के जो सेपरेट ब्लॉक वाले हैं जो मैंने आपको तो अलग रखे जाते हैं उन पर टैक्स बनाया तो ये बन गया 3,34,056 रुपये। इसमें से जितने आपके कटे हुए थे सैलरी, डिविडेंड, प्रॉपर्टी, गाड़ी, वो सारे 3,31,000 रुपये के थे, तो बाकी आपका विद रिटर्न 2,401 रुपये एक सवाल में निकला है। सो एक सीक्वेंस पूरा चल रहा है ऊपर से करते करते करते, इसी तरह रिटर्न के अंदर आप एनेक्शन फीड करेंगे और उसका भी आंसर यही आना चाहिए अगर आप सही कर रहे हैं तो, और फीडिंग भी सही कर रहे हैं तो। ये एक न्यूमेरिकल था, अज्यूम्ड डाटा था, लेकिन इसके साथ आपकी आसानी के लिए मैंने एक, आप पर्सनल एक्सपेंसिस पे आते हैं क्योंकि आपने सवाल किया, वो मैं ऐसे करता हूं, अगर आपने यही करना है तो ये पर्सनल एक्सपेंसिस गिवन है, इसमें कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल या पर्सनल एक्सपेंसिस की हद तक। जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आप किराएदार हो तो मीटर मालक के नाम होता है, कोई मसला नहीं है उसमें, हम उससे एक रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट लिखवा लेंगे कि वो इसको क्लेम नहीं कर रहा और आप यूजर है ना यार, रेंट वो क्यों देगा, वो बिजली का वो क्यों देगा यूज आप, वो फिर रेंट एग्रीमेंट और चीजें साबित कर देती है ना कि ये इसका नहीं है वो उसका है बेसिकली। जी जी कर ले ये देखे ना, ऑप्शन नहीं आती ये CNIC नंबर दिया हुआ है ना, आप उसका दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। CNIC नंबर ही अब ID कार्ड आपका, CNIC ही अब NTN है ना आपका इंडिविजुअल के लिए, वो देंगे तो वो खुद ही बंदे को ढूंढ लेंगे। अब उस पर रिटर्न एप्लीकेबल है कि नहीं वो एक अलग क्वेश्चन है। हाँ जी भाई, आपके ज्वाइंट एक्सपेंसिस है ना आपके, ये देखो ना ये सवाल है, इसमें डाल लेते हैं मिस्टर बी ने, ये टोटल एक्सपेंडिचर 13,45 इसके हैं, बी ने दिया 1,00,000 रुपया, तो बी कौन है, उसका CNIC आप देंगे तो वो निकाल लेंगे उसको। अगर एक बंदा खर्चे कर रहा है तो इनकम थी तो खर्चे कर रहा है ना, या सोर्स कम अज कम कोई था उसके पास तो खर्चे कर रहा था, तो उससे पूछेंगे भाई आपने पेमेंट की है तो आपके पास पैसे कहाँ से आए। जी बिल्कुल करेगा, लेकिन उसने अपना एक्सपेंस 1,00,000 शो करना है,
वो शो कर रहा होगा कि 13.45 मेरे ए का खर्चा है, ये आप ए की रिटर्न बना रहे हैं, ए का खर्चा कितना है 13.45 और बी का कितना है एक, तो ये अब रिपोर्ट कर रहा है 13.45, बी कितना कर रहा होगा 1 लाख रुपए, तो बाकी का खर्चा किसने बियर किया, ए ने, ए का सीएनएस ही उसकी पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाएगा। एक मिनट, लो जी ये पड़े हुए पर्सनल एक्सपेंस, ये सारे वही हैं, कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंसेस बाय फैमिली मेंबर, सारा कुछ उधर से लिया, ये भी सेम चीज है। आप आपको अभी दिखा देता हूँ, ठहरो ज्यादा आसान हो जाएगा। फर्ज करें आप टोटल उठा लेते हो ना, ब्रेकअप तो आप बनाएंगे ही, आप कहते हैं जी मेरे हैं जी 10 लाख रुपए, ये जिसकी रिटर्न बन रही है उसका है। आप कहते हैं कंट्रीब्यूशन है जी 2 लाख रुपए, जो मेरा भाई करता है, ठीक हो गया जी, कैलकुलेट करें। अब इसके लिए खर्चा कितना है 8 लाख रुपए, ये आ गया, तो बाकी का किसका है, वो भाई का है, वो अपनी रिटर्न में दिखाएगा। अगर वो उसकी रिटर्न भाई 2 लाख लिखेगा, वो भी 10 लाख लिख के लिखेगा, वो लिखेगा 8 लाख रुपए बोर्न बाय ए, ये लिखेगा 2 लाख रुपए बोर्न बाय बी। हो गया, शायद तुम कुछ पूछ रहे थे, नहीं वो एक अलग चीज है ना, हो सकता है उस पर एप्लीकेबल ही ना लो, फिर ठीक है, आप प्रूव कर दें कि उस पर एप्लीकेबल नहीं है तो ठीक है ना करें। जैसे पेंशनर होल्डर बंदा, वो कहता है जी मुझे पेंशन आती है, मैं अपने बेटे के साथ शेयरिंग करता हूँ, तो मेरे पे रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है, मैं क्यों फाइल करूँ, वो ना करें, फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन वो अपना सोर्स बता रहा होगा कि मेरी पेंशन आ रही है, मैं वहां से बियर कर रहा हूँ ये सारा, कोई बात नहीं है, जवाब है। इसमें आपने जितने भी एक्सपेंस सपोर्ट करनी है उसकी प्रॉपर स्पोकिंग होनी चाहिए हमारे पास, बेहतरीन चीज तो यही है। अदरवाइज अज्यूम्ड अगर आप डालेंगे ना, अच्छा कि आपने सवाल किया, अगर आपने खर्चे अंडरस्टेट कर दिए तो 111 सेक्शन ये कहता है कि अगर रीजनेबल अमाउंट से अमाउंट कम हुई ना तो आपकी डीम्ड इनकम बना के आपको टैक्स लगा देंगे। मसलन आपका बिजली का बिल था 10 लाख रुपए, आपने कर दिया 2 लाख रुपए, पकड़ा गया कि 8 लाख किधर से भाई खर्च किया आपके पास, आप चुप हो गए, तो उस सूरत में अगर आपके पास सोर्स ना हुआ तो वो 8 लाख रुपए आपकी इनकम बना के आपको टैक्स लगा देंगे, वो 111 सेक्शन। समझ आती बात, तो ज्यादा तो कोई करेगा नहीं, अपना सोर्स क्यों कम करेगा। या आपने खर्चा क्लेम किया 50 लाख रुपए, पता लगा कैश ही नेट नेगेटिव हो गया, पैसे हैं ही नहीं, तो फिर पैसा कहां से आया, उस सूरत में भी आपको टैक्स लग जाएगा। वो कहेगा भाई आपके पास तो पैसा ही नहीं था, आपने ये 50 लाख पे किधर से किया, इसका मतलब है कि ऑफ द रिकॉर्ड आप कोई इनकम कमा रहे हैं जो आपने शो नहीं की, इसलिए हम आपकी इनकम बना के आपको टैक्स लगा रहे हैं। इट सीम्स लॉजिकल। अच्छा, जिसमें जिस तरह यूटिलिटी हमारे पास बिल वगैरह आ जाते हैं, इस तरह किचन की आइटम ग्रोसरी वगैरह, वो अगर आप बड़े यूटिलिटी स्टोर से लेंगे वो भी देंगे आपको, अगर आप बहुत छोटे से लेंगे तो फिर वो तो नहीं देगा आपको, वो फिर आप एस्टिमेटेड फिगर देख सकते हैं। अगर आप बाकी सारा एक्चुअल दे सकते हैं, कितने के एस्टिमेट लगाने हैं तुमने, जादूगर हो क्या है? फिर एवरेज कॉस्ट निकाल ली जाएगी कि एक बंदा एक साल में कितना फूड क्लोथिंग एक्सेट्रा ले लेता है। अब ये भी लेवल मुख्तलिफ है, एक लग्जरी आइटम पहनता है, एक लंडा बाजार पहन लेता है, एक नारकली चला जाता है, एक एक सूट में पूरा साल गुजार देता है, एक कहता जी मुझे चाहिए 50 सूट। अब हर एक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है। एक बंदे को अच्छा कपड़ा पहनने गया, एक कहता कि नहीं यार कुछ भी मिल जाएगा, तीसरा कहता नहीं यार कोई एवरेज थोड़ा सा तो बेहतर होना चाहिए, बिल्कुल ही ना खराब हो जाए। तो लेवल ऑफ एक्सपेंस उसके टेस्ट के मुताबिक होगा, फिर वो रहता कहाँ है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सारा कुछ मैटर करता है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक एक्सपेंस सब लोगों के लिए होगा। एक बंदा 3 वक्त खाना खाता है, एक बंदा 1 वक्त खा के गुजारा कर लेता है, कैसे मैच करेंगे आप कर ही नहीं सकते। एक कहता भाई मुझे भूख लगती नहीं, मैं सिर्फ 1 रोटी खाता हूँ, मेरा दिन पूरा गुजर जाता। दूसरा कहता जनाब मैं तो 5 रोटियां 1 वक्त में ना खाऊं तो मेरा बनता कुछ नहीं। तो अब उसका लेवल ऑफ एक्सपेंस कितना मुख्तलिफ होगा।
एक कहता जी मैंने नान चने खा लेने मेरा गुजारा हो जाएगा, दूसरा कहता जी मैं पीसी से नीचे खाना ही नहीं खाऊंगा, मैं मैकडोनल्ड और केएफसी के अलावा मैंने कहीं खाना खाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। तो हर एक का लेवल ऑफ मुख्तलिफ है, इसलिए एक एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत मुश्किल है। लोअर साइड पे शायद हो सकेगा, अपर नहीं कर पाओगे। आप कितना कम से कम खाना खाओगे एक दिन में, कम से कम कितना कम कर लोगे? 200 रुपए का, 500, एक वक्त की बात कर रहा हूँ, 3 वक्त की नहीं, एक वक्त में 100 रुपए का खाना खा लोगे, चलो 100 रुपया लगा दो, 3 वक्त का 300 लगा लोगे, एक दिन का 300 हो गया। मैं एक बहुत लोअर साइड पे गया हूँ, 300, 300 मल्टीप्लाई बाय 30, 9,000 रुपये बनता है सीधा, मल्टीप्लाई बाय 12 निकालो भाई, 1,00,000 रुपए से ऊपर चला गया। ऐसा ही है, तो 1,00,000 रुपए का तो तुम खाना खा गए। मैंने अभी 100 रुपया पर, यानी 300 रुपए पर डे रखा है, पर डे 3 वक्त का भाई, बहुत लोअर जाके, कि अब रेडी से भी खा लोगे, चलो जी कर लो काम, तो 1,00,000 से नीचे नहीं आ रहा। अब आप कहोगे जी बंदा 40,000 रुपये पूरा हो गया है, तो क्या रोजे रखे हुए हैं पूरा साल के, रोजा खोलिया नहीं क्या? तो वो थोड़ा सा लेवल बड़ा रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट समझ भी आए। बहरहाल अगर बाकी एक्चुअल है तो इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट कोशिश करें कि जितना रियल होगा उतना ही आप टैक्स में आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप एक दफा 12 महीने के 12 सामान जो लेते हैं एक दफा, और वो बिल प्रोड्यूस कर दें, पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड है, आपको पता है सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, एक बंदे की बात हो रही है, पूरे फैमिली का है तो फिर आप 5 बंदे हैं तो खुद अंदाजा कर लो, अगर एक बंदा 300 रुपए का एक दिन का खाना खा रहा है, 1,00,000 रुपए बनता है, तो 5 बंदे हो तो कितना होगा? और तुमने लिखा हुआ है 45,000 रुपये 5 बंदे, फूड एंड क्लोथिंग 2023 में 45,000 रुपये में 5 बंदे, वो जिंदा ही नहीं रह सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। 5 लाख तो कहीं नहीं गया भाई, ज्यादा हो सकता है, काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं तो दूध है, पैंपर्स है, कौन कौन बच्चे थोड़े बड़े होंगे, एजुकेशन है, किस किस चीज को छुपाते फिरेंगे आप, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, पॉसिबल नहीं है इतने थोड़े पैसों में। बहरहाल वक्त के साथ इसी तरह ही है। अच्छा पर्सनल एक्सपेंसिस, अगर आपका पर्सनल एक्सपेंसिस से कोई सवाल है तो वो कर लें। हाँ जी सर, लिंक रिन्यू क्या, लिंक रिन्यू कर लें, एक्सपायर। अच्छा लिंक एक्सपायर हो रहा है जी, भेजता हूँ मैं लिंक आपको, इधर है भाई, लो जी। अब चूंकि इसकी जरूरत पड़ती रहनी है, मैं इसलिए इसमें नहीं भाई, ये 40 मिनट्स का चूंकि वो जाहिर बात है वो देते हैं, ये करना पड़ता, मुझे तो पता नहीं लगा यार 40 मिनट्स गुजर गए, क्या आया अब OEP है, OEP है ना यार, OEP फिर EEE। अच्छा फिर आगे क्या है? JUT JU। लो जी ये मैंने भेज दिया, अभी वो आ जाएंगे, उनको भी शेयर कर दूं अगर कोई आना चाहे तो। इधर कोई आ रहा सवाल? लो जी ये इधर भी सवाल आ रहे हैं, कोई 2-4। अच्छा इस दफा कुछ ज्यादा आया भाई, देख लेते हैं। ले जी लिंक आपको भी भेज दिया है, गया है कि नहीं भाई? चला गया। अगर कोई आना चाहे तो सवाल क्या जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो कह रहे हैं मुनीब नदीर साहब का सवाल है जी, कौन पढ़ेगा आप इसे? वो कह रहे जी अस्सलाम वालेकुम, इफ फॉरेन सोर्स
कि फॉरेन इनकम ऑफ ए रेजिडेंट इज बिलो टैक्सेबल एंड गैस शेयर फ्रॉम एओपी है एंड गैस शेयर फ्रॉम एओपी हैज शेयर फ्रॉम एओपी व्हाट विल बी हिज टैक्स लायबिलिटी। लो जी बड़ा अच्छा सवाल किया उन्होंने। उसने कहा जी फॉरेन सोर्स इनकम आई है और शेयर फ्रॉम एओपी है, तो भाई बात सुनो कि फॉरेन इनकम पहले चेक करो उसने रेजिडेंट की इनकम बनाई है। बिल्कुल जी आपको एओपी का शेयर फॉर रेट पर्पस के लिए ऐड किया जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि दो बातें हैं कि अगर तो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है तो वो तो दोनों फर्क हो जाएंगे, शेयर भी है फॉरेन रेमिटेंस भी। अगर इनकम है तो फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान सोर्स इनकम में जमा किया जाता है, वो भी टैक्स क्रेडिट पर्पस के लिए। अब चूंकि ये दोनों ही आपकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसमें पाकिस्तान का टैक्स बनाया जाएगा, एओपी का शेयर आपको देखना पड़ेगा एनटीआर वाला एफटीआर वाला, एफटीआर वाला नहीं ऐड किया जाता, ये भी आपको देखना पड़ेगा। मुनीब सर सवाल आपका अच्छा है, मेरा ख्याल है जवाब आप तक आ गया होना कि आप एनटीआर के अंदर आपको एनटीआर का शेयर ही ऐड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप क्रेडिट देंगे उनको। आगे कौन है जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड क्या है एग्जम्पशन। अच्छा सवाल है जी, वो कह रहे जी डिडक्शन और एग्जम्पशन में क्या फर्क है। डिडक्शन तो आपकी इनकम में से माइनस होती है अगर आपका एक्सपेंसेस जिसे आप कहते हैं, और एग्जम्पशन ये होता है कि इनकम ही एग्जम्प्ट है, जैसे एग्री इनकम है वो एग्जम्प्ट है सेक्शन 41 में। तो दे आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स, एक इनकम ही एग्जम्प्ट है और एक में क्या है कि आप अपनी इनकम के अगेन डिडक्शन आप माइनस कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या कहते हैं, लिंक मांग रहे हैं, दे दिया जी आपको। कह रहे सर गूगल मीट लिंक शेयर कर दिया भाई आपको, 11, 5 और 6 शेयर कर दिया साजी साहब, अभी डिस्कशन भी हुई है, 114 दो रिक्वायरमेंट्स वो भी हमने शेयर कर दिया है। चलो जी वापस आए जी, हम कहाँ थे, हेलो किधर थे हम लोग, बाकी दो चीजें रह गई आपकी, एक वेल्थ स्टेटमेंट और एक वेल्थ रिकंसिलेशन। इसकी फाइल मैं खोलता हूँ, लास्ट एरिया हमारा आज का, इसमें भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। अब ये वाली फाइल मैं बंद करता हूं, पैदल ही लगता आना चाह रहा है। उनको एडमिट नहीं ना किया मैंने, आ गया भाई कर लिया एडमिट। हाँ जी आवाज आ रही है जी, लो जी आज का आपका आखिरी पार्ट। चीजें तो बहुत सारी थी, मैंने कुछ थोड़ी सी पीछे करके इसको मैं आगे लेकर आया। लो जी दो हिस्सों में ओवरऑल और वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहला प्रिंसिपल, वेल्थ स्टेटमेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। अगर आपके एसेट की वैल्यू, बड़ा आसान सा फार्मूला है, कुछ ज्वाइन कर रहा है पहले किया तो इसको एक्सेप्ट मैंने, अगर आपका एसेट आपने 10 साल पहले कोई भी घर था ज्वेलरी थी प्रॉपर्टी थी वट एवर अगर आपने वो खरीदा था और आज उसकी वैल्यू कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। समझ आई बात, क्या कहा मैंने, मैंने आपको पहला पॉइंट क्या दिया कि आपने अगर एक एसेट जब भी खरीदा था अगर वो एज इट इज ही आपके पास पड़ा हुआ है, चाहे 15 साल गुजर जाए जिंदगी आप ही गुजर जाए, अगर लॉ ना बदला
तो आपने उस एसेट को उसी वैल्यू पे ही स्टेट करना है जिस पे आपने खरीदा था, एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। अब घर है आपने 25 साल पहले लिया 50 लाख का, आज वो 6 करोड़ रुपए का, कोई ताल्लुक नहीं आपका उसका। आपकी ज्वेलरी की वैल्यू कम हो गई है पर फिर कोई ताल्लुक नहीं है आपका। आपकी गाड़ी पुरानी हो गई है, आपने किस पे लेना है उसको? एक्चुअल कॉस्ट बेसिस। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल कॉस्ट बेसिस, अनलेस आप उसमें कोई वैल्यू ऐड, या मसलन जमीन थी आपने कंस्ट्रक्शन कर दी तो ऐड कर लो, आपने ज्वेलरी थी और खरीद ली ऐड कर लो, आप एक गाड़ी थी बेच के दूसरी ले ली तो ठीक है बेच के नई वाली ले लो, या नई एक अलग ले ली वो भी ले लो। लॉ में रिटर्न के अंदर इंपोर्ट की फैसिलिटी उन्होंने डाली हुई है, आप इंपोर्ट करें आपकी वेल्थ स्टेटमेंट की फिगर वो सारी इंपोर्ट पिछली आगे ले आएगा, तो जिसमें चेंज आई है नोट करो वरना आगे चल पड़ो, बड़ा आसान हो जाएगा। जो निकल गया जो आ गया अमेंड कर ले। तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज को आपने टैली करना है। अब ये चार्ट करा के मैं सीधा न्यूमेरिकल पे आपको लेके जाऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेल्थ स्टेटमेंट एंड ए बैलेंस शीट? बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लाइबिलिटीज, एंड वेल्थ स्टेटमेंट इज अ लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल लाइबिलिटीज। मसलन आपका घर, ये पर्सनल एसेट्स बताने देखो, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल गाड़ी, इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंक बैलेंसेस, जमीन, एग्री, कमर्शियल, जो भी जाती नाम पे है वो आपकी वेल्थ के अंदर आ रहा है। जो आपके बिजनेस एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, आपके डेटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, फिक्स एसेट, मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, कार, पेबल, स्टॉक इन ट्रेड, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, कैपिटल, सब बैलेंस शीट के अंदर। फॉरेन करेंसी पे बहस हो चुकी, जब तक उसमें आप एक्चुअली बेचेंगे या खरीदेंगे नहीं आपकी फॉरेन करेंसी में कोई चेंज नहीं आने लगी। अगर आपने $1 लाख आज से 10 साल पहले लिए थे और वो एज इट इज ही पड़े हुए हैं तो वो वैल्यू वही आ रही होगी जो 10 साल पहले वाली थी, आपका नई वैल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसमें हर अकाउंट की रिकंसिलेशन बनानी है, चाहे वो कैश है, बैंक है, प्रॉपर्टी, जिसमें चेंज आएगी उसको रिकंसाइल करना। कैपिटल आपने कैसे निकालना, वही तरीका जो बैलेंस शीट में आपने पढ़ा, ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द ईयर लेस करना, लेस ड्राइंग्स एड कैपिटल, रिड्यूस द क्लोजिंग कैपिटल, वही आपका जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग होगा वो वेल्थ के अंदर आपके जा रहा होगा, वो टैली होना चाहिए। So, अब मैं आपको ये डबल एंट्री का हिस्सा, मैं आपको तीसरा पॉइंट स्किप कर गया था जानबूझ के, मुझे इसलिए अब तक याद है, मैं जब भी ये डेमो देता हूँ लोगों को बताता हूँ, जब मैं सीए इंटर कर रहा था तो मेरी हर दफा रिकंसिलिएशन आउट हो जाते थे, तो मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि तुम मुझे कुछ कंफ्यूज लग रहे हो। मैंने कहा सर ये हर दफा ना मेरी रिकंसिलिएशन आउट हो जाती, पता नहीं क्या चक्कर। कहते इधर आओ मेरे साथ बैठो। उन्होंने कहा तुमने डबल एंट्री की? मैंने कहा जी की। तुमने कैश बुक बनाई? मैंने कहा बनाई। लेजर, ट्रायल बैलेंस अकाउंट हाथ से बनाए? मैंने कहा सर बनाए। कहते ये भी डबल एंट्री है? मैंने कहा ये भी डबल एंट्री, वो कैसे? उन्होंने मुझे 5-6 एंट्रियां पकड़ी, उनकी एंट्री करके मेरे हाथों से उन्होंने बनवाया, कहते बनाओ तुम ही बनाओगे। वो मैंने की तो वो टैली हो गया। मैं कहा ये तो बड़ा आसान हो गया सर। कहते बस समझोगे तो आसान है ना, नहीं समझोगे तो मुश्किल है। उस दिन से अब कभी रिकंसिलिएशन या कोई चीज आउट हो ना, होती नहीं, हो जाए बड़े आराम से पकड़ी जाती। सो इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ डबल एंट्री बेसिकली, जो लोगों को पता नहीं है। मैं आपको अभी कराता हूं आपके सामने कैसे। लो भाई ये एक सवाल है, ये 22 की ओपनिंग वेल्थ बनी। देखो अगर पहला साल है तो ओपनिंग कुछ नहीं होगा, दो ही चीज है ना, या एक या पहला साल है या पुराना साल, यानी आगे आप पुराना बिजनेस कर रहे हैं। मैंने अज्यूम किया अगर ये पहला साल होता, चलो दोनों कर लेते, आप ये ऊपर वाले को पहला साल समझ लो,
ये पहले साल में आपने ये ट्रांजैक्शंस की हैं, क्या आपने प्लॉट खरीदा 35 लाख रुपए, आपने कहा कैपिटल है, आपने इंट्रोड्यूस करवाया 25 लाख रुपए, आपने ज्वेलरी खरीदी इतने की, शेयर खरीदे इतने के, कैश एंड बैंक बैलेंस आपके पास इतना है, पर्सनल लोन इतना है, तो 10 मिलियन आपने बिजनेस में लगाया तो आया होगा ना। हेलो, पैसा था तो लगा ना, उसी में से बचा ना। इसका मतलब है कि मैंने, मेरे पास 10 मिलियन टोटल था, फर्ज करें मुझे, मैं बाहर से 10 मिलियन लेके आया पाकिस्तान, मैंने ये चीजें खरीद ली, ये लो, ये पहला बुरा हो गया। अभी मैंने कारोबार शुरू कोई नहीं किया, अभी शुरू करना है, मैंने कहा चलो कुछ चीजें बना लेते हैं फिर शुरू करते हैं। मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी सारी, बिजनेस में भी मैंने कैपिटल डाल दिया, कारोबार मैंने कोई नहीं किया। ये पहला साल है पूरा हो गया आपका, ये डबल एंट्री देख लो आप, 10 मिलियन पूरा। आपकी अज्यूम करो कि आपने 1 करोड़ रुपया सीधा का सीधा बिजनेस में डाला, उसमें से आपने बिजनेस में, तुम्हें ये चूंकि पर्सनल है, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करवाया आपने वो देख लो बस, 25 लाख आपने उधर डाला, बाकी आपने सारे पर्सनल। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस का जो कैश एंड बैंक बैलेंसेस है वो 25 लाख आ रहा होगा। हेलो, डबल एंट्री, बिजनेस में 25 लाख की एंट्री क्या पड़ी होगी, कैपिटल जब इंट्रोड्यूस कराते हैं क्या एंट्री करते हैं, हेलो क्या करते हैं, मैंने तुम्हें डेबिट कर देना, कैपिटल डेबिट, सोच लो, उल्टा नहीं बता रहे तुम, आया तो कैश है, कैश डेबिट क्या मतलब, बड़े आदमी लगता है, लड़ गई आपको, उसको भी लड़ गई, एंट्री उल्टी कर दी पकड़ गई उन्होंने, कैश टू कैपिटल भाई। तो बैलेंस शीट के अंदर आपके कैपिटल आ गया 25 लाख का और कैश इन हैंड कितना आ गया, हेलो कितना, 25 लाख, तो वही है इधर ये देखो लिखा हुआ, डाल दिया हमने। अब आपके पास बाकी बन गया 75 लाख रुपए, ठीक है, कितना पैसा था आपके पास, 1 करोड़ रुपए। आपने क्या किया, 25 लाख डाल दिया बिजनेस में और बाकी की आपने चीजें खरीद ली और कुछ बच भी गया, वो देखो कैश एंड बैंक में आपके पास 35 लाख पड़ा हुआ है, 15 एक और 20 एक, उसी 1 करोड़ रुपए में से बच गया ना मेरे पास, तो करोड़ रुपया मेरा पूरा हो गया, पहला साल आपका पूरा हो गया। अब जब आप इसकी रिकंसिलेशन बनाओगे तो ओपनिंग जीरो होगा, वैसे ही है ना भाई, पहला साल है ना, ओपनिंग तो जीरो है, तो जो कुछ मैंने खरीदा है कैश फ्लो में से कुछ चीजें आउटफ्लो में जाएंगी, क्योंकि करोड़ रुपया मैंने इंट्रोड्यूस करवाया रिसीट में, करोड़ रुपया था मेरे पास, ऐसे ही है, मैं जो फॉरन एमिटन से आया उससे मेरी ये इन्वेस्टमेंट हुई और बाकी बैलेंस आपका 35 लाख आ गया, पहला साल पूरा हो गया, कारोबार मैंने कोई नहीं किया अभी। अब ये मैं उठा के ओपनिंग लेके आ गया, पिछले साल का क्लोजिंग अगले साल का, ये लो वो ओपनिंग आ गया, तो पहला साल आपका पूरा हो गया। अब मैंने आगे ये नीचे ट्रांजेक्शन की, हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री होनी है आपके सामने है। सबसे पहले प्लॉट, इसके बारे में कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही, 35 लाख है, क्या इसमें कोई चेंज आई, हेलो कोई चेंज आई है, और अगर मार्केट वैल्यू बढ़ गई हो तो एक्चुअल पे ही आना है। ये लो 23 की वेल्थ में पहला जो आइटम गया 35 लाख रुपए, वही उठा लिया मैंने, कोई चेंज नहीं आई इसके अंदर। कैपिटल, कैपिटल के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दिया हुआ है, प्रॉफिट आया 4.5 लाख रुपए और ड्राइंग्स हुई है 2.75 की और टैक्स 40,000, प्रॉफिट कितना है, 4.5 लाख,
कैलकुलेट करके दिया है, 2.75 की ड्राइंग्स हैं, कैपिटल की रिकंसीलिएशन बनानी है, ये पड़ी हुई है ओपनिंग कैपिटल 25 लाख, 4.5 लाख एड और ड्राइंग लेस करके 26 लाख 75, ये पड़ा 26 लाख 75 और उसका नोट वन है। अच्छा उसकी अब डबल एंट्री पहले पूरी कर लो, प्रॉफिट कितना है 4.5 लाख, ऐसा ही है कैपिटल में ऐड हो गया, ये पड़ा 4.5 रिकंसिलेशन, डबल एंट्री पूरी होगी, उधर से कैपिटल में ऐड हो गया, इधर से रिकंसिलेशन में चला गया। अब आ गई ड्राइंग्स, जब आप ड्रॉ करोगे तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स टू कैश, पैसा आ गया आपके पास, कैश फ्लो में पैसा लेना है, कैपिटल में से कम हो गया, ये निकल गया यहां से, ये ड्राइंग पड़ी है 2.75, कोई चीज इसके अंदर ओपनिंग मैंने उठा लिया हुआ है वही 35 लाख 15 और 20, ये ओपनिंग है, ये रिसीव्ड हुआ, ये पेड हुआ, ये क्लोजिंग बच गया और ये क्लोजिंग आपकी वेल्थ में चला जाएगा। कोई भी अकाउंट विदाउट डबल एंट्री के हमने नहीं उठाया जिसमें चेंज आई और हमने अपने पास से डाल दिया। अच्छा चलो फिर क्या जी, अगला आइटम क्या है, ज्वेलरी, क्या ज्वेलरी में कोई चेंज है, हेलो लग नहीं रहा मुझे, ऐसा ही है, कितने की है, 5 लाख, ये लो भाई 5 लाख। फिर शेयर्स 10 लाख, शेयर्स में कुछ एडजस्टमेंट है, ये ही सोल्ड शेयर 2 लाख के 3.5 लाख में बेच दिए, पहले तो निकला कितना, 10 में से 2 निकला, 8 रह गया, ये पड़ा हुआ 8 लाख, बाकी गेन आया 1.5 लाख का, कैश फ्लो में 3.5 लाख आना है, डबल एंट्री पास करो ना, देखो एंट्री क्या है, कैश टू शेयर टू गेन, कैश कितना 3.5 लाख, शेयर कितने के गए 2 लाख के, गेन कितने का 1.5 लाख का, डबल एंट्री पूरी हुई, कैश में 3.5 चाहिए मुझे, ये पड़ा है, ठीक है, शेयर में से 2 लाख निकल गया वो डबल एंट्री पूरी होगी, 8 लाख चला गया उधर, और 1.5 लाख का गेन है, ये पड़ा हुआ 1.5 लाख गेन, डबल एंट्री पूरी होगी। मैं कोई चीज विदाउट डबल एंट्री के नहीं आ रहे, कैश बैंक ओपनिंग है, हेलो ऐसा ही है, ये लो ये ओपनिंग, ये ले लिया मैंने, आगे चलूं, बचा क्या उधर, पर्सनल लोन 10 लाख है, ये ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन 5 लाख, यानी 5 लाख का लोन वापस हुआ है, बाकी कितना रह गया होगा, ये 5 पड़ा हुआ है, 5 वापस किया मैंने, हेलो कैश फ्लो में से निकलना चाहिए, ये लो निकल गया, डबल एंट्री में साथ साथ करता जा रहा हूं। फिर क्या बचा, अब क्या बचा, यहां पे सैलरी इनकम आई 12 लाख, ये आपका इनफ्लो है, जारी बात है, कैश फ्लो में पैसा आएगा, ये 12 आ गया, इस पे टैक्स था वो 1.40, 1 लाख ये है, 40 ये पड़ा हुआ है वो टैक्स, और 12 लाख का दूसरा इफेक्ट कहां आना है, रिकंसिलेशन में, ये पड़ा हुआ 12 और ये पड़ा 1.40 टैक्स, डबल एंट्री पूरी हो रही है भाई। फिर आगे क्या है, शेयर वाला पहले हो गया, लोन भी हो गया, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 8.5 लाख है, कैश फ्लो में कितने, 8.5 लाख, ये भाई 8.5 लाख, दूसरा रिकंसिलिएशन में से ये 8.5 लाख, ठीक है, डबल एंट्री पूरी कर ली ना, पर्सनल एक्सपेंसेस टू कैश। फिर क्या है, प्रॉफिट वाला पहले ही हो गया, एक नया प्लॉट उसने लिया है 20 लाख रुपए का, 7 लाख उसने दिया है, हम इसको 7 लाख को एडवांस ले लेते हैं, हेलो ले ले 7 लाख, ये पड़ा हुआ, और कैश फ्लो में से पैसा निकाल दें, ये निकाल दिया, डबल एंट्री पूरी हो रही। फिर क्या बचा, ये एक एंट्री बची कि उसका जो क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 4.75 है, तो बाकी क्या होगा, कैश इन हैंड, ये तमाम कैश फ्लो बनाया, ये 4.75 माइनस किया, और 22,60,000 रुपए का टोटल 27,35 है, जिसमें से 22,60 आपका कैश है और बैंक आपका 4.75 है, ये लो वेल्थ में मैंने डाल दिया आपका 4.75 और 22,60, इनको प्लस किया ये आ गया 10.4 मिलियन, इसको किया 10.4 मिलियन, आपकी रिकंसिलिएशन भी डाली, तमाम अकाउंट की डबल एंट्री करके आपने वेल्थ भी बनाई, वेल्थ रिकंसिलिएशन बनाई और
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप से कैश बुक कह लो, डबल कॉलम कैश बुक कह लो, जिस तरह आपको समझ आ जाए। तो ये ओपनिंग भी डबल एंट्री था, फॉर द ईयर भी डबल एंट्री हुआ, तभी ये आपस में जाकर टैली हो गया। अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं मेरे साथ। वेल्थ स्टेटमेंट किसने फाइल करनी है? हर वो इंडिविजुअल जो रिटर्न फाइल करेगा, वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा, अदर देन नॉन रेजिडेंट। लेकिन नॉन रेजिडेंट से बाद में कमिश्नर 116 में आपसे वेल्थ स्टेटमेंट मांग सकते हैं, और हमने बना के दी है, क्योंकि पैसा कहां से आया, किधर गया, ये वो पूछ सकते हैं। कब फाइल करनी है? रिटर्न के साथ। एओपी और कंपनी को फाइल करना लाजमी नहीं है, नहीं करेंगे तो रिटर्न आपकी आगे जाएगी नहीं, नॉन फाइलिंग या लेट फाइलिंग की पेनल्टी है, चीजें एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपकी इनकम बनाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एट द सेम टाइम जो है वो अपने जेन में रखनी है, रिलेटेड टू इनकम टैक्स रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट। अब आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें अगर हमारा ज्वाइंट अकाउंट है जी, वो किसका रिपोर्ट करें? एक तो मेरा पर्सनल बैंकिंग अकाउंट है ना, एक मेरा ज्वाइंट है। एक मिनट ठहरे, वो कह रहे जी कंपनीज की रिटर्न कब फाइल करनी है? आपको क्या याद कराया मैंने कि अगर जनवरी टू जून ये रेंड है तो 31 दिसंबर है, वरना 30 सितंबर में रिटर्न फाइल होगी। ये सवाल किसका है? एक मिनट, ये सवाल किसका है? ये अब्दुल हफीज साहब, आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया। एक मुनीब ने, ये माइक जरा म्यूट कर लीजिएगा जी, आवाज आ रही है। ये माइक ऑफ कर लीजिएगा भाई अपने, एक मिनट ठहरे आप। तो दूसरा सवाल क्या है जी, पहले आप कर लेना, उनके तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि बंद हो गया तो फिर पता नहीं, नेट आपको पता कोई नहीं होता। इन केस ऑफ इनहेरिटेंस गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ अक्वायरर गिफ्टी? मुनीब साहब, इस वक्त जो बंदा आपको गिफ्ट करेगा वो जो उसकी कॉस्ट होगी वही आपकी कॉस्ट बनेगी। अगर उसने 10 लाख का खरीदा है तो आपके पास भी 10 लाख का ही आएगा। अच्छा, फिर कौन सवाल कर रहा है जी आगे? इन केस ऑफ सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सोल्ड इन फर्स्ट ईयर कैपिटल गेन विल बी एप्लीकेबल? जी बिल्कुल, जहां एप्लीकेबल होगा आपको पता है वो आपका मिनिमम टैक्स बन जाएगा। मुनीब साहब, मुझे उम्मीद है आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हाँ जी, अब आप आ जाए जी, अब आप पूछे। मैं पूछ रहा था कि जिस तरह मेरा एक पर्सनल बैंक अकाउंट है, इसी तरह मेरा ज्वाइंट अकाउंट भी हो, उसे रिटर्न में किस रिपोर्ट करें? ज्वाइंट अकाउंट में ना दो तीन चीजें ध्यान में रखें। पहली बात तो ये कि अगर सिर्फ आपने ज्वाइंट बनाया और सारे पैसे आपके हैं तो सिर्फ आपने रिपोर्ट करना है, ठीक हो गया। अगर सिर्फ आपके भाई या बहन के पैसे या वाइफ के हैं तो उसने करना, ठीक हो गया। और अगर दोनों के पैसे हैं, आपके भी हैं और उसके भी हैं, तो जितना जितना आपका शेयर है उतना उतना आप दोनों रिपोर्ट करेंगे। लेकिन टैक्स काटते वक्त बैंक को बता दीजिएगा कि इसमें से मेरा इतना है और उसका इतना है, ताकि आपका 15% अलग जमा हो और उसका अलग जमा हो। समझ आती बात? आपका 15 लाख है, उसका 20 लाख है, अब अपने अपने पे देंगे ना टैक्स। आपका प्रॉफिट जितना होगा आपने अपना देना है, सीपीआर अलग बनेगा, एनटीएल अलग होगा, नाम अलग होगा, रिटर्न अलग होगी, तो आपको चाहिए होगा। समझ आती बात? अगर सारे किसी और पे दूसरी पार्टी के, हाँ तो फिर वो करें। यानी किस तरह, अगर हम अक्सर क्या होता है कि ज्वाइंट अकाउंट में हस्बैंड के पैसे होते हैं एवरेज बेसिस पे, ये नहीं कि वाइफ काम नहीं कर सकती या पैसे नहीं कमा सकती, हम वो नहीं कह रहे। हमारे मुल्क में ज्यादा जिम्मेदारी मर्दों पर डाली गई बाहर का काम करने की, औरत मजबूरन काम करती है या शौक भी हो पैशन के लिए, वो उसका अपना मसला है। लेकिन अमूमन प्रैक्टिस क्या है कि बंदा काम कर रहा होता है वो ही पैसे डाल रहा होता है, मुल्क से बाहर हो या इधर हो, ऐसा ही है। तो वो पैसा किसका होता है? उस बंदे का, उस फीमेल का नहीं है वो पैसा, उसको सिर्फ होम रेमिटेंस दी गई है खर्चा पूरा करने के लिए। समझ आई बात? हेलो, इधर ही हो ना? तो फिर पूरा हो गया क्या, या कुछ और है? कोई और सवाल तो नहीं आपके जेहन में? चलो वो तो ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ जी, आप में से किसी का कोई सवाल है?
हाँ जी मिस, छुप के बैठ गई उधर जाके, चंदी लग रही मिस को। हाँ जी ऑनलाइन में कोई सवाल है जी? जी एक सवाल है सर। जी जी बिस्मिल्लाह करें। ईओपी का जब हम रिटर्न वगैरह बनाते हैं तो पार्टनर का प्रॉफिट उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जी 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 जो भी है, जी जी, और इक्वल शेयर होता है। अच्छा जब पार्टनर्स कैपिटल बनता है तो उसमें बैंक प्रॉफिट अलग से भी शो होता है, जो बैंक ईओपी के प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर कैपिटल में भी दोबारा शो करना होता है, इसकी क्या वजह है सर? नहीं पार्टनर कैपिटल में जब आपने होता यह है कि देखिए दो चीजें होती है, एक होता है बिजनेस में शेयर, एक होता है अगर तो आपने पहले से प्रॉफिट ऑन डेट एओपी का ऐड किया हुआ है तो शेयर आ जाएगा उसका उसमें से, और अगर आपने पहले नहीं ऐड किया तो आपको सेपरेट ऐड करना पड़ेगा क्योंकि शेयर है ना दोनों का। एओपी में देखे ना आप बिजनेस में आधे के पार्टनर है और प्रॉफिट ऑन डेट में क्या रेशो है वो चेक कर ले, अगर उसमें भी आधे के पार्टनर है तो आधा आधा डिवाइड कर दे। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कोई एंट्री मेथड नहीं आती ना कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के? वो इसलिए नहीं, देखिए ना बात ये है कि अगर आपकी एओपी की इनकम कोई और होएगी तो आएगी ना, अगर एओपी की इनकम ही बिजनेस इनकम है और कोई है नहीं तो बाकी कहां से आएगा, आप अज्यूम थोड़ी कर लेंगे। हमको फेक एंट्रियां थोड़ी डाल रहे हैं कि जी दो दिन किया लिख दिया वहां पे, आपने कमाया होगा तो डाला ना हमने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे में इसलिए कह रहा था कि पार्टनर जब कैपिटल बनाते हैं जी तो उसमें तो बैंक प्रॉफिट की अमाउंट भी शामिल होती है। हाँ जी होनी चाहिए ना, जब आपने शेयर निकाला था, जब आपने शेयर निकाला था तो वो इंक्लूडिंग ऑल इनकम्स करके आया था ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने वहां शामिल किया तो दोबारा नहीं करेंगे, और अगर पहले नहीं किया तो अब आप शामिल कर लेंगे, और क्या करना है आपने। सही 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 सही, ठीक है। आपका कोई और सवाल तो नहीं है? नहीं सर। हाँ जी ऑनलाइन में कोई और सवाल है जी तो कर ले। सर ये रिवीजन जो है बैंक स्टेटमेंट की कितने अरसे तक हो सकता? 5 साल लिखा हुआ है ना उन्होंने, अब तो लॉ थोड़ा सा अमेंड किया, पहले जरा था, अब विद इन 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर की वेल्थ स्टेटमेंट आप रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 122 नौ का नोटिस इश्यू हो गया तो उस साल या उन सालों की वेल्थ फिर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न तो 6 साल है ही है ना, वो तो पता ही है आपको, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न में डाउनवर्ड रिवीजन नहीं है, आप डिक्लेयर्ड इनकम को कम नहीं कर सकते और लॉस को ज्यादा नहीं कर सकते, ये जरा 114 6 और 6 पढ़ लीजिएगा जी। और सिस्टम कई दफा वो एक्सेप्ट करता है विदाउट कमिश्नर अप्रूवल के, कभी नहीं करता। बहरहाल आपने जहां आप जेन्युइन है आप उसको रिवाइज करें जी। कोई और सवाल है या मैं आगे चलूं? सर ये जो आपने एक्सेल के अंदर वेल्थ स्टेटमेंट बनाई है इसको जरा एक तरह गो थ्रू करते हैं जरा। एक्सेल नहीं है वो, तो स्लाइड के अंदर बनी है, दिखा देता हूं आप लोगों के लिए बनाई है, एक मिनट ठहरो। एक्सेल के अंदर एको जिसके अंदर वर्किंग आपने शो की है कंप्यूटेशन, वो तो कंप्यूटेशन थी ना, वेल्थ मैंने इधर बनाई हुई है, ये देखो वेल्थ नजर आ रही है भाई, ये 23 की वेल्थ है, 22 में एडजस्टमेंट करके तो 23 के अंदर हम आए। क्या इसमें कोई कॉस्ट के अलावा वैल्यू आई, क्या नजर आई आपको? कोई भी नहीं आई। क्या आपने कोई वैल्यू चेंज की विदाउट एडिशन डिलीशन के? नहीं की हमने, तो वो प्रिंसिपल नीचे वही है कि एक्चुअल कॉस्ट बेस ही है, वो नहीं डिस्टर्ब हो रहा, वो डबल एंट्री भी उधर ही है, उसको नहीं छेड़ा हमने, वो खराब हो गया तो सारी बेस खराब हो जाएगी। ये उस वक्त उन्होंने मुझे समझाया था और आज तक मैं कभी भूला नहीं मैं। क्या कर दे? सेल कर दो। क्या सेल कर दे? हाँ तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, आप बेच लो ज्वेलरी, कितने की है आपके पास चेक करो, इसी सवाल में करो अभी करो, कितने की ज्वेलरी थी भाई? आप फर्ज करो ये 15 लाख की बेच देते, कितना गेन हुआ? 10 लाख आपकी इनकम में ऐड होगा। इसमें देखो, इसमें भी मैंने मैंने कंपटीशन बनाई हुई है कि नहीं बनाई, देखना पड़ेगा, नहीं इसमें नहीं बनाई, इसमें सैलरी इनकम है ना, ठीक है।
तो सैलरी इनकम आ रही है, और क्या इनकम आई है? सैलरी के अलावा शेयर आया, ऐसा ही है भाई। ये बिजनेस इनकम उसका इंडिविजुअल बिजनेस है, एबीसी एंड को उसने बनाया हुआ है, पर्ण प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी 12 लाख सैलरी है, फिर उसने शेयर्स बेचे हैं, वो कैपिटल गेन कितने सालों के बाद हुआ, जैसे वो एग्जांपल मैंने कराई थी अभी आपको। तो टैक्सेबल इनकम अलग कैलकुलेट होगी और वेल्थ स्टेटमेंट अलग फाइल होगी, लेकिन अब चूंकि वेल्थ स्टेटमेंट रिटर्न का हिस्सा ही है, उसके अंदर ही है। हाँ जी, एक दो पॉइंट्स और ठहर हुआ। ये वो लोग हैं जिनको ई ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना लाजमी है, वो मैंने वैसे पॉइंट आपको दे दिया है। डेट मैंने आपको जो रिटर्न की डेट है वही वेल्थ स्टेटमेंट की डेट है। जिनको नहीं रिक्वायर्ड, चार बंदे हैं लेकिन एटीएल का स्टेटस नहीं मिलेगा जब तक रिटर्न नहीं जाएगी। अगर आपके पास ड्यू डेट पर टाइम नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप उसको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दें 15 दिन की, मैक्सिमम 30 डेज है, और अगले 15 दिन आप चीफ कमिश्नर से आप ले सकते हैं। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरे फर्निश नहीं करेंगे तो आपको शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स का नोटिस आ जाएगा, और अगर आप नॉन कंप्लायंस करेंगे तो पेनल्टी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रोसिक्यूशन भी है इसके अंदर, रिकंसिलेशन भी है, वो तो आपको मैंने अच्छा एक नज़र मैंने आपको सिर्फ रिकंसिलेशन दिखानी, बाकी तो पूरा हो गया। आप ये रह गया, ये लो, ये देखो टैली हुआ हुआ है कि आपके टोटल एसेट्स कितने हैं वेल्थ में से, और आगे इनफ्लोज में रिटर्न में कितना आपका नॉर्मल है। ये सारी एडजस्टमेंट इन और आउट करके आपने रिकंसिलेशन जो मैंने अभी बना के भी दी आपको, ये लो ये रिकंसिलेशन, यही आपने एज इट इज उठा के वहां फीड कर दे। कैश फ्लो नहीं बनाने, वहां कैश फ्लो नहीं है, वहां सिर्फ दो तीन चीजें हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस, वेल्थ स्टेटमेंट और रिकंसिलेशन। ये कैश फ्लो आपने बनाई होगी, वो नहीं बना के देगा आपको, ना उसने पूछा। कल को मांगेंगे वो आपसे, कैश फ्लो बनाओ भी, किधर से पैसा आया, किधर गया, जरा दिखाओ। हाँ जी, अब मेरे पार्ट पे तो चीजें होगी खत्म। आपने अगर मुझसे कुछ पूछना है तो आखिरी पार्ट अब आपके पास। लाइट जरा ऑन कर दो, इसको अब हम बंद करते हैं। अब आपने कोई आखिरी एक घंटा आपका, मेरा टाइम हो गया खत्म, आपका टाइम हो गया शुरू। अब आपने मुझसे कुछ पूछना है तो आप जो आपका पहले रेलिवेंट क्वेश्चन कर लो, फिर जो नॉट कनेक्टेड इनडायरेक्ट है, यानी पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करो, उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन करना मेरे साथ। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कर लो, रिटर्न का, वेल्थ स्टेटमेंट का, रिकंसिलेशन का, पर्सनल एक्सपेंसिस का, किसी चीज का कोई सवाल है तो आपने पर्सनल एक्सपेंसिस हमेशा एक्चुअल फीड करने हैं, ड्यूम्ड नहीं बनाने आप विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के, कच्चे पक्के नहीं डालने आपने। हाँ जी, वेल्थ स्टेटमेंट आपने करना है। हाँ जी, पहले ऑनलाइन वालों को ले लें क्योंकि कनेक्शन है ना, आप तो सामने हैं, आप तो बाद में भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, अब आखिरी आपने जितना भी टाइम लेना है वो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर में ले लें। हाँ जी, हाँ जी, काफी हद तक बेहतर है, अभी तो बहुत बेहतरी आ गई, इंशाल्लाह ताला आगे भी चलेगा। अभी कुछ प्रॉब्लम जरूर है, कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, और मैंने जब अपने एम्प्लॉयर को कोई एविडेंस देना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी रिटर्न शो ना, इसके अलावा मैं किस तरह टैक्स एडजस्ट कर सकता हूँ। आज जैसे मैं देख रहा था इनके पोर्टल में जो इनका डैशबोर्ड है एफबीआर का, उसमें विद होल्डिंग का एक वो अलग से उन्होंने कोई समरी बनाई हुई थी, वो उसका अगर प्रिंट दे दें
एज एविडेंस कि भाई हमारा ऑलरेडी इतना टैक्स डिडक्ट हो जी, मिल जाएगा आपको वो जो कटा हुआ है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। नहीं यानी कि मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी यानी कि रिटर्न उसके साथ शेयर ना करूँ, पूरी रिटर्न शेयर ना करूँ किससे, अपने एम्प्लॉयर से। तो ना करो, उसको बताने की जरूरत क्या है, आपका जो अपना कटा हुआ है वो आप अलग रखे, वो यानी कि वो जो उसका डैशबोर्ड है हाँ। वो आपके पास एक्सेस है ना, उसके पास नहीं है। नहीं वो उसका मैं प्रिंट निकाल के तो उसे दे सकता हूँ। नहीं क्यों, उसको क्यों देनी, कि मेरी यानी कि पूरे साल में इतनी टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, आप अब सैलरी में से ना कटे नहीं, वो तो फिर उस चीज का एविडेंस दे ना, जैसे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन आपने कराई नई गाड़ी या आपने रजिस्टर्ड की आपने बाद में, तो उसमें जो कटा है उसका एविडेंस दे दे बस, पूरा चार्ट बनाने की क्या जरूरत है उसको। दूसरा मोबाइल वाला है वो दे दे हाँ, और जो उसने नहीं देना उसको तो उसको बताने की जरूरत ही नहीं है ना, प्रॉफिट और डेट तो क्रेडिट उसने आपको देना नहीं, तो वो उसको बताने की जरूरत क्या है, जो उससे रिलेटेड है, जिस इंसान से जितना कनेक्शन है उतनी बात करो ना, दूसरी बातें क्यों कर रहे हैं आप। वो कहेगा जी मेरा क्या ताल्लुक है, क्यों मेरा टाइम जाया कर रहे हैं आप, मेरे मतलब की बात करें आप, मुझसे कोई बेनिफिट है तो ले ले आप, एविडेंस ले है तो ले ले, अदरवाइज नहीं। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, शायद तुम्हारा कोई सवाल था। हाँ जी, इंक्रीज करते जाए ना, आप किस्तें दे रहे हैं ना, एडवांस अगेंस्ट परचेज ऑफ प्लॉट आ जाएगा, बस डालते जाए जब तक आपको वो टाइटल नहीं दे देता, जब तक एडवांस जा रहा है, फिर अल्टीमेट एज एडवांस है, क्योंकि पैसे बाकी है ना। दो चीजें होती है, कुछ लोग टाइटल पहले दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। अगर आपको टाइटल मिल गया है तो आप पेबल लाइबिलिटी बुक करते जाए, पे पे करते जाए, और अगर टाइटल अभी आना है तो फिर एडवांस डालते जाओ, सही हो गया। हाँ जी, और जी एक मिनट, नहीं पेमेंट पैसा तो जा रहा है ना यार तुम्हारे पास है, तुम अगर 20,000 की किस्त दे रहे हो तो 2,40,000 तो तुम निकाल चुके हो, तो अब एंड में कहाँ जाके कर रहे हैं तुमने, वो तो फिर उसकी अपनी लाइलमी है ना, उसको नहीं पता उस चीज का, उसको कहा था कि अब सेल कर दिए बिजनेस, सेल तो तब करेगा, पहले ट्रांसफर तो करा लो, पहले ही सेल कर दे। हाँ तो फिर ठीक है, अपने नाम ट्रांसफर करे, किस्तें पूरी जो है उसको बुक करे, उसके बाद बेच ले। ए, पानी याद देना जरा इसमें। हाँ जी, और कोई सवाल जी। हाँ जी, ऑनलाइन में कौन, ख्वाजा साहब या नईम साहब आप थे? सर एक 7E की एप्लीकेशन बता दें और एक कैपिटल वैल्यू टैक्स जो गाड़ियों पे है सब ये बताओ। देखिए CVT जो है वो तो एक कॉस्ट का हिस्सा है ना, उसकी एडजस्टमेंट तो मिलती नहीं, वो कॉस्ट में ऐड कर दें, सिंपल हो गया। वो इसामा इनको बुक देना 24 की, हाँ जी वो आपको पेमेंट कर देंगे, उनको दे देना ये किताब 2700 वो आपको देंगे, दे दो 24 वाली है ना, देख लेना। हाँ जी दो है। अच्छा फिर हाँ जी, किसका सवाल है? 7E रह गया आपका, 7E एंड पे रख लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी डिटेल मुझे बतानी पड़ेगी। ठीक है सर, आपका क्या सवाल है? मेरा एक वो जॉइंट अकाउंट का आपसे पूछा, तो कर तो दिया आपको। नहीं उसमें यानी कि हम किस तरह में प्रूफ करेंगे कि ये सारा चेंज करा लो, चेंज मेरे पास अब पूरा है तो सही। कितना दे रहे हैं? हाँ तो ये ले लो ना, 2 ये हो गया, और कितना? 300। ये देखो कितना है, ये आधे पूरा हो जाएगा लगता है। ये कितना हो गया? 50 दे दो, पैसे पूरे दे के दे दो। चलो ठीक है दे दो इनको। किताब ऐसे हम सेल नहीं करते, लेकिन चूंकि कुछ थी तो इसलिए आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन वाली हमारी फ्री है, क्योंकि आपको हार्ड चाहिए थी इसलिए आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन वाली फ्री है हमारी, सॉफ्ट फाइल पूरी दुनिया के लिए। अच्छा तो
तुम्हारा ज्वाइंट पूरा हो गया। लेकिन उसमें बता दें कि उसमें हम किस तरह, यानी कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन, देखो यार तीन चीजें हैं, अगर आपका अकाउंट था, आपका आपके भाई के साथ अकाउंट, सारे पैसे आपके, आप रिपोर्ट करेंगे। अगर आपके भाई के सारे पैसे हैं तो फिर वो रिपोर्ट करेगा। आप दोनों के हैं, कुछ आपके हैं कुछ उसके हैं, तो जो आपके हैं वो आपके वाले में जाएंगे, वो जो उसका है वो उसके वाले में जाएंगे। जैसे बैलेंस बच गया 6 लाख रुपए, 6 लाख में आप कहते हैं 2 लाख मेरा, 4 उसका है, तो दोनों रिपोर्ट करोगे आप। फिर उसमें जो प्रॉफिट आएगा, अगर पीएलएस अकाउंट है तो जितना कंट्रीब्यूशन आपका है उस पर आप ऑफर करेंगे 15%, और वो अपने वाले पोर्शन पे करेगा। ये सही तरीका है उसको करने का, समझ आ रही बात? हाँ ऐसे ही बात। और जी और किसी का सवाल? अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए, जैसे ही आप क्लोज करेंगे यू कैन गो, जो जो सवाल है वो कर लो आप, अब आपका टाइम शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी आपने इसमें ना 149 सेक्शन जाके पढ़ लेना, सब सेक्शन 1 या 2 के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि कौन कौन से जो टैक्सेस हैं आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्रेडिट भी देगा वो आपको कौन कौन से, और जो पेमेंट आपने की है वो वाली जो कि इनकम के गेंस ना हो, जैसे आपका मोबाइल है, गाड़ी है, ठीक है, आपका प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर आपका टैक्स है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो कि आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, तो वो आपको उसमें एडजस्टमेंट को क्लेम करने की फैसिलिटी दे देगा। वो क्यों दे रहा है? ताकि एंड पे आपका रिफंड ना आए। अगर आपने 2 लाख देना था और 2 लाख दे दिया है तो खत्म हो गई ना बात, फिर पीछे क्या रह गया, फिर मुझसे क्यों पैसे ले रहे हैं बाबू, इसलिए वो एडजस्टमेंट आपको दे रहा है। लेकिन हर चीज की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, अगर आपने सेल की हुई है तो उस पर टैक्स कटा है, तो वो एडजस्टमेंट के लिए नहीं है, वो तो ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट जाएगा। हाँ जी कोई सवाल? लास्ट 65 मिनट्स। एक सवाल है जी, जी करें आप। फ्रीलांसर पेज है मेरा, तो फ्री, हाँ उन्होंने अपना इधर से पाकिस्तान कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवा ली पिछले साल, ठीक है, जो दिसंबर तक वैलिड थी, ठीक है। इस दौरान 2 माह पहले ना मेरे क्लाइंट को मैसेज आया पाकिस्तान कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट बोर्ड की तरफ से कि आप ये जो है रिन्यूएबल ड्यू है, उन्होंने कहा कि आप ना PRC जो है ना सर्टिफिकेट बैंक से लेके हमें दें, ठीक है, प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, फिर हम इसको आगे। अच्छा अगर अभी जाहिर डेट टाइम कम है, तो ये अगर आप लेके उनको देते हैं और फिर वो दोबारा उसको रिन्यू कर देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं, तो जो रिटर्न जाएगी वो फ्रीलांसर के तौर पर जाएगी 0.25 पर या 1% पर जाएगी? नहीं देखें, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट ही रहनी है, उन्होंने एक प्री कंडीशन रखी हुई है कि आप कंडीशन मेट करेंगे तो 0.25 है वरना 1% है। अब अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं है इस वक्त, तो रजिस्टर्ड ना होने के बाद की जो रिसीट है फिर तो वो 1% में जाएगी ना। अगर तो आपने प्रोसेसिंग की लेकिन उन्होंने नहीं किया तो फिर आप 0.25 पे जा सकते हैं, अदरवाइज तो वो फिर 1% में चला जाएगा। अभी देखे ना 2-3 माह से ना उनको नोटिस आया था, अब उसने मैसेज आया था, तो मैंने आपको जवाब दे दिया ना कि अगर आपने प्रोसेसिंग की हुई है और उनके पार्ट पे डिले है तो 0.25 है, अगर आपके पार्ट पे डिले है तो फिर 1% है। ठीक है जी। और जी और किसी का कोई सवाल हो? ठहरो मैं उधर देखूं, सवाल तो सवाल होता है, कोई भी करेगा तो नॉलेज में इजाफा करेगा। अगर फेसबुक में किसी ने कुछ पूछा हुआ है ये तो अब मैं इसको बंद करता हूं, इसको भी वो भी कर दिया। ले जी फिलहाल तो और किसी का कोई सवाल नहीं आ रहा, फिर क्या चाहते हो आप लोग, क्लोज करें? सर इसमें टैक्स रिफंड इनकम टैक्स रिफंड
उसकी कोई लिमिटेशन नहीं, मेरी सैलरी टैक्सेबल नहीं थी, मैं पिछले 2-3 साल से रिफंड में कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, जब तक आपके पास पड़ा हुआ है इनकम टैक्स में वो चलता जाएगा आगे, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, कोई लिमिटेशन नहीं है, जेन्युइन होना चाहिए ऑनलाइन में। जी आप सवाल कर रहे थे, अच्छा 7E है, 7E की अब चक्कर ये है, मैं बता देता हूँ, 7E असल में ये है कि आपकी डीम्ड इनकम पे ना उन्होंने प्रॉपर्टीज जो के 7E के अंदर फॉल करेंगी, बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट ने इसको अल्ट्रावाइज कर दिया, जो लोग लाहौर के अंदर या लाहौर हाई कोर्ट की रीजन में आएंगे वो 7E पे नहीं करेंगे, जो सिंध में आएंगे वो पे करेंगे, और जो बाकी आपके क्वेटा है अदरवाइज है बलोचिस्तान है दूसरे लोग हैं, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे स्टे लिए हुए हैं, तो बेसिकली जो अभी प्रॉब्लम हो रही है वो सिंध में जो रेजिडेंट है उन लोगों को हो रही है, क्योंकि सिंध सिंध में जो जजमेंट है उनके अगेंस्ट हुई हुई है, तो वो वहाँ पे 7E जो जिन पे एप्लीकेबल है उनको देना पड़ेगा, वरना उनकी रिटर्न जो है ना वो इनवैलिड हो जाएगी। ये आपके 7E का कॉन्सेप्ट है, फिलहाल स्टेटस आपको मैंने बता दिया, आपको 7E का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि FBR को क्योंकि मैं पाकिस्तान टैक्स बार का कन्वीनियर भी हूँ एजुकेशन और प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग का, तो जो चेंजेस हम करवाते हैं वो हमें पता लग जाता है, तो ये जो आपका 7E को डी लिंक करवाया है वो पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार और बाकी बार ने मिल के इसको डी लिंक करवाया है कि जनाब जब लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है तो फिर आप 7E क्यों चार्ज कर रहे हैं पंजाब के अंदर, बात समझ आ रही है। हाँ जी और किसी का कोई सवाल? ये CVT जो है, ये गाड़ियों जो है, ये 2023 में वो गाड़ियाँ मेरे ख्याल 1300 CC या 1600 CC प्लस जो है उन पे लगाया जाएगा, ये रिटर्न के अंदर जिनके पास गाड़ी है वो जमा कराएंगे इसमें, वो एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों ने लेना, इनकम टैक्स वालों ने नहीं लेना, ठीक है, CVT उधर जाना, आपकी गाड़ी रजिस्टर करते वक्त वो आपको पूछेंगे कि भाई CVT किधर है, वो आपकी गाड़ी नहीं रजिस्टर करेंगे, आप इम्पोर्ट करेंगे कहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे वो आपको पैसे, वो आपको रजिस्टर नहीं करने देंगे, भाई पहले पैसे दो इसके, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस के अंदर ही वो रजिस्टर्ड होगा। जी और जी लेकिन इसमें ये भी है कि एक बंदे की अगर 5 साल से ज्यादा पुरानी हो जाएगी तो 6ठे साल में वो फिर उसको CVT जो है ना वो इन गाड़ियों पे नहीं चार्ज होगा, ये भी पॉइंट है इसके अंदर, लोकल गाड़ियों पे और फॉरेन एसेट्स पे कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा हुआ। हाँ जी किसी और का कोई सवाल है इससे पहले कि मैं क्लोज करूं? आप लोगों का तो कोई सवाल? वालेकुम अस्सलाम सर, एक छोटी सी क्लेरिफिकेशन रिफंड पे चाहिए थी। जी जी रिफंड पे क्या चाहिए जी, बोले आप। सर जो FBR की साइट है उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि रिफंड जो है साल के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स का। जी आप सवाल कर लें। जी जी within 2 years from the date of filing of return जी. or from the date of which on which tax was paid whichever state जी जी 170 सेक्शन बता रहे हैं आप आगे चले, आपको मसला क्या वो बताएं। हाँ जी मसला सर यही आ रहा है कि उसमें अनलिमिटेड टाइम तो नहीं सर दिया हुआ ना रिफंड। देखिए बात ये है इसमें ना एक जजमेंट आई हुई है उसके मुताबिक अगर कोई बंदा प्रोसीजरल लैप्स करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो रिफंड नहीं ले सकता, ठीक है। ठीक है सर। ये एक एक इसको हम कहते हैं दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मैंडेटरी कंडीशन होती हैं, एक डायरेक्टरी होती है। ये डायरेक्टरी प्रोसीजरल लैप है, डायरेक्टरी कंडीशन है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आप अपने पैसे लेने हो तो 25 साल पुराने भी पैसे आप निकाल लेते हैं, तो मेरी बारी आए तो आप कहते हैं 2 साल बाद आपको पैसे नहीं मिलेंगे या रिफंड नहीं ले सकते, तो भाई इस पे जजमेंट्स आई हुई हैं, उसने कुरान मजीद की आयतें अंदर लिखी हुई हैं, उस बंदे को कहा कि अपना पैसा हो तो आप छोड़ते नहीं है, मेरा पैसा आता है तो 2 साल बाद एप्लीकेशन नहीं मैं दे सकता, क्यों भाई ऐसा कौन सा मसला हो गया, क्या रिफंड उसने गलत मांगा है? जब उसका राइट बनता है, जब आप अपना राइट नहीं छोड़ते तो उसका राइट भी ना छोड़े, इंसाफ दोनों साइड पे होना चाहिए, सिर्फ दूसरों के साथ नहीं अपने साथ भी इंसाफ करना है आपने। ठीक है सर क्लियर रहते हैं। हाँ जी और कोई सवाल तो नहीं आपका? सर एक सवाल था जी, कर ले आप जी। गाड़ियों पे जैसे CVT 5 साल तक है जी, फर्स्ट ईयर तो मैन्युफैक्चर या जो भी है वो कॉस्ट का पार्ट होता है जी, बाकी जो हम 4 साल एक्साइज में देंगे वो सर कॉस्ट का पार्ट बना सकते हैं? नहीं वो एक्सपेंस बन जाएगा ना, आप देखे ना जितने रजिस्ट्रेशन के गाड़ी की कीमत थोड़ी है CVT, वो तो एक गवर्नमेंट लेवी है,
कल को आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो प्रॉपर्टी में ऐड कर देते हैं क्या? इस तरह थोड़ी होता है। वो तो एक चार्ज है जो आपने पे करना है, उसकी कीमत के साथ क्या ताल्लुक है? वो तो गवर्नमेंट ने आपसे लिया है जी। फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाले ऐड किए जाते हैं, बाद में तो एक तो आप जो खर्चे हैं वो आपके नॉर्मल खर्चे हैं ना, आपके वो खर्चे आप बुक कर लें जिस तरह पर्सनल एक्सपेंसेस बुक करते हैं। राइट सर, राइट, थैंक यू। हाँ जी, ले जी लास्ट 5 मिनट्स है, फिर भी कोई सवाल है तो आप कर लें। फिर ये ना कहना कि मौका नहीं दिया तो आपने मुझे बोलने नहीं दिया तो फलाना हो गया तो ये हो गया, तो मौका पूरा मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें जी मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया आपने। सर एक जनरल क्वेश्चन है जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम रिटर्न के लिए एक ऑडिट फर्म में गया तो उधर उन्होंने जनरल जो प्रैक्टिस बताई है कि जो अपना ओपनिंग बैलेंस अब ज्यादा से ज्यादा शो करें ताकि ड्यूरिंग द पीरियड जो भी ट्रांजेक्शन हो वो आपकी एक किस्म की जस्टिफाई हो जाए। यानी कि क्या कि आपने बेशक आपके पास कोई चीज नहीं भी है ना तो आपने ओपनिंग में उससे ज्यादा शो करना। अच्छा, यानी कि 2-3 ऑडिट फर्म तो एक चीज अगर आपके पास है नहीं तो बेचोगे कहां से? चलो ये भी बता दो, फिर ये जादू टोना तुम सीख ही आए हो। नहीं, यानी कि वो अपनी ये बता रहे थे तो मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ ना, ये तो उसने तुम्हें बताया, अब मुझे भी समझाओ। तुमने एक ज्वेलरी डाल दी, फर्ज करो 50 तोले, मान लेता हूँ तुमने डाल दी, तो तुमने तो बेचा ही कुछ नहीं, रसीद कहाँ से लाओगे? वो भी फेंक लाओगे। और दूसरा उस ज्वेलरी पे टैक्स भी लगा हुआ है, उसका क्या करोगे? तुम तो आ बैल मुझे मार, खुद फंस गई अंदर आके। जब तुम्हारे पास एक चीज है ही नहीं तो अपने आप को खुद फंसाई जा रहे हो आप, ऐसा ही है ना। ये सारे फेक और फ्लाइंग एंट्रीज हैं। अच्छा, कल को जब तुम पकड़े जाओगे तो वो ऑडिट फर्म को आगे करोगे या खुद आगे आओगे, ये भी बता दो। चलो वो दिल्ली जाना ना रस्ता हर कोई दसदा, किराया कोई नहीं देता। तो यहां मशवरे अगर आपको गलत किसी ने दिए हैं तो उसके साथ तुम्हारे खड़ा कोई नहीं होगा, खड़ा वही होगा जो सही मशवरा देगा। यानी कि मैं यही बता रहा हूं कि जो है ही नहीं आपके पास सी तो उसको शो कर, उसके लिए 111 सेक्शन है उनके पास। ये मैं बता दूं, इफ इट विल बी प्रूव्ड कि ये एंट्री आपकी फेक थी और आपके पास नहीं है तो वो वही आपकी झूठ आपकी इनकम बना के 111 में टैक्स लग जाएगा। उसका जवाब कौन देगा भाई? आपने वो चीज बीच में डाल दी जो है ही नहीं, तो पागल है क्या आप? वो फायदा लेना चाहते हैं जो आपको मिलना ही नहीं चाहिए, तो क्या क्यों ले रहे हैं आप वो फायदा? लोगों को, कुछ लोगों को गाइडेंस अवेयरनेस नहीं होती, या होती है तो वो सही बता नहीं पाते। 111 का जवाब कौन देगा भाई? कल को मैं आपका 100 तोले जेवर डाल देता हूँ, डाल दे तो लाओ। उसके बाद जब वो पूछेगा जनाब ये 100 तोले जेवर कहां से आया था, तो कौन जवाब देगा? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर आप ओपनिंग एसेट जस्टिफाई नहीं ना करोगे तो वो इनकम बना के तुम्हें टैक्स लगा देगा। ये किसी को पता नहीं है क्या जजमेंट है? ओपनिंग बैलेंस अगर आप जस्टिफाई ना कर पाए तो वो इनकम बना के करंट ईयर में टैक्स लगाएगा। वो आपको लगा लोगों को टैक्स, यही वजह से लगा, और इसी रीजन की वजह से लगा कि उसने पता नहीं कितने तोले के क्या कुछ ओपनिंग में डाला हुआ था। उसने कहा ठीक है मैं मान लेता हूं ये तुम्हारा है और तुम्हारे पास है, प्रूफ कर दो तो तुम्हारा। उसने कहा नहीं जी टाइम बार्ड हो गया ओपनिंग है। उसने कहा टाइम बार्ड छोड़ो, तुम्हारे पास है तो किधर है, तुम जो मर्जी लिख के दे दो मैं मान लू। तुम कल कहोगे मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, मान लू। तुम कहोगे मेरे पास 1000 अरब रुपए आ गया, मान लू। किधर है भाई, और कैसे आ गया वो आपके पास? अच्छा पहले आप करते क्या थे? क्यों ना मैं कहूं कि अगली ब्लैक मनी को वाइड करने के लिए ये सारा तुमने डाला अंदर, अगले को बेवकूफ ना समझो तुम। जज जो होते हैं बड़े प्रोफेशनल होते हैं, किसी प्रोफेशनल के हथे चढ़ गए तो वो रगड़ देगा आपको पकड़ के, और फिर उस इनकम पे टैक्स लग जाएगा जो है ही कोई नहीं। लेकिन ये मार्केट में इसी तरह चलता है, इसी तरह कर रहे हैं। तो दुनिया तो जानेमन फिर और भी बहुत कुछ करती है, वो सब कुछ तुम करोगे? नहीं, ये बात नहीं है। हर अगर आप काम ही गलत कर रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किस फील्ड के बंदे हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, जो कोई भी है, आप काम ही गलत कर रहे हैं, फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं आप आगे से। वो भाई एक चीज है ही नहीं, किस बंदे ने तुम्हें कह दिया डाल दो भाई?
तुम्हारी अपनी अकल, तुम अशरफुल मखलूकात हो सारे, कैसे अकल नाम की चीज कोई नहीं आपके अंदर, जिसने जो कहा उसकी बात मान ली, तुम्हारी अपनी अकल किधर है भाई? तुम्हें नहीं पता सच और झूठ क्या है? इसका मतलब है कि वो बंदा बराबर का शरीक है, वो अनड्यू एडवांटेज लेना चाहता है, फिर उसको टैक्स लगना चाहिए। सीधी बात करते हैं ना, आपने एक वो बेनिफिट लेने की कोशिश की जो है ही नहीं आपका, तो जब है ही नहीं तो टैक्स ऑफिसर या टैक्स डिपार्टमेंट अपने राइट पे है कि आपको उस पर टैक्स लगाए, और लगता है लोगों को टैक्स लगा, ये बात जो आपने की लगा लोगों को टैक्स, उस वक्त कोई साथ खड़ा ही नहीं हुआ। बुलाओ ना फिर उस वक्त उस बंदे को जिसने ये मशवरा दिया था, ये ओपनिंग में इतना डाल लो, फिर उसने कहना जनाब देखो मैं तो मशवरा ही दिता सी, तुसी ना अमल कर दे। फिर उसने कहना अगर निकल जाता तो फिर तुमने तो आना नहीं था, अब लग गया तो मेरे पास आ गए। तो मशवरा भाई अमानत के तौर पर होता है, इसमें खयानत नहीं करनी, आप गलत मशवरा नहीं देना किसी बंदे को, जो है भाई वही प्रेजेंट करना आपने, इसी पे प्रोटेक्शन है। आप सच चाहे जितना भी कमजोर हो और झूठ चाहे जितना पावरफुल हो, झूठ का गुब्बारा एक दिन फट ही जाना, वो नहीं ज्यादा देर सस्टेन करेगा क्योंकि वो फेक है, और फेक चीज का कोई वजूद नहीं होता, वो ज्यादा पायदार भी नहीं होता। फिर आपके लिए जमीन का क्या करना? चलो तुम्हें मिल नहीं गया बेनिफिट, तुमने ले ही लिया वो, तो तुम्हें तो पता ना ये गलत है। अपने आप को कैसे, तुम अपने आप के साथ इंसाफ नहीं कर रहे तो दूसरे के साथ कैसे करो? भाई मेरा एक राइट बनता ही नहीं, मेरे अकाउंट में 4 करोड़ रुपया डाल दिया जाए, है ही नहीं मेरे पास, डाल दिया आपने और मैं खुश हो रहा, किस बात से यार? तुम्हारा तो राइट बनता ही नहीं, तो तुमने तो अपने साथ इंसाफ नहीं किया। मुल्क और दूसरों को तो छोड़ ही दो आप लोग, तो गलत चीज भाई गलत होती है, चाहे मैं करूं या आप करो या कोई और करे, सीधी सी बात है। इसलिए कभी ऐसी चीजें मत करें जिससे बाद में परेशानी का बायस बने, करना क्या और इस बंदे। बाकी हर बंदे की अपना फेल है, उसने उसका जवाब देना है। जी कोई सवाल है कि मैं क्लोज करूं? मिल जाएगी आपको, आपके लिए ये मैं ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, या आपको ना मिले तो मेरे साथ फोन कर लेना, मिल जाएगी। ठीक है जनाब, अभी फिर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ आज के लिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब भी कोई मौका होगा तो फिर इंशाल्लाह इसको कैरी करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको बंद करने लगा हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कोशिश की मैंने, एक इंसान जितनी कोशिश कर सकता है आपको अच्छी चीज बताने की। खाली देखें, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, अच्छा रास्ता भी दिखाना होता। तो यार ये तो हो गया एजुकेशनल, ये तुम्हारा नॉलेज पर्पस के लिए होगा, लेकिन आगे सही और गलत क्या है बताना मकसद है, चलना तो आपने खुद है, डिसीजन तो आपने करना है। ये हर उस इंसान की जिम्मेदारी है जिसको शऊर दिया गया। अशरफुल मखलूकात ऐसे बातों में नहीं बन गया, जब क्रिएट हुआ था सारी बातें हुई थी, तो वो आप सबको पता है, वो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। इसलिए भाई अपनी अकल भी इस्तेमाल करो, अल्लाह ने आपको शऊर दिया, और अच्छे काम के लिए कोशिश करो, बजाय ये कि बंदा दूसरे रास्तों पे चल पड़े। नहीं जी मैं इसको क्लोज करने लगा हूं, बाकी इंशाल्लाह।